खुद से एक गूगल क्यों नहीं बनता इंडिया में एक रीजन है कल्चरल रीजन है जो मैं होप करता हूँ दिली तमन्ना है मेरी चेंज हो जाएगी हमें एज अ सोसाइटी रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता इनफैक्ट कोई दूसरा रिस्क लेता है तो जब फेल हो जाता है तो लोग उसको बोलते हैं कि मैं तो बोला था तुम फेल हो जाओ वर्सेस अगर आप यही सेम कल्चर वेस्ट में कंपेयर करोगे तो वहां पे लोग फेलियर को एज अ बैज ऑफ ऑनर पहनते हैं देखो तुम जी रहे हो एक सेफ लाइफ मैं तो गया अपने कम्फर्ट जोन के बाहर मैंने ट्राई किया मैंने फाइट मारी ठीक है मैं फेल हो गया एटलीस्ट मैंने फाइट मारी तो मैं तुमसे बेटर हूँ नहीं अभी लोग

अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो अगर आप एक इंजीनियर हो अगर आप एक टेक एंथुजियास्ट हो अगर आप एक फ्यूचर एंथुजियास्ट हो या अगर आपको सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखो आज के पॉडकास्ट में टेक्नोलॉजी साइंस ए कोडिंग की बातें होंगी एक मज़ेदार तरीके से ज़्यादा नर्डी बातें भी नहीं है पर प्लीज़ फ्यूचर के बारे में जानिए हाल ही में जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ पॉडकास्ट करने गया उन सभी ने कहा कि भारत को टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें साथ में मिलकर आगे लेकर जाना है ये बहुत एडुकेटिव पॉडकास्ट है और अगर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड एडुकेशन चाहिए ना तो टॉप टेकज की बातें सुनिए आज के गेस्ट अंशुमन सिंह ने हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट पर हमें टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत बताया पर आज हिंदी में एक बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन करेंगे हमारे साथ इन्होंने खुद मार्क जकबोर्ग के साथ फेसबुक में काम किया सिलिकॉन वैली में रहे हैं ये टेक्नोलॉजी को कोडिंग को सॉफ्टवेयर को बहुत गहराई से समझते हैं आपको बहुत मजा आएगा आज के कॉन्वर्सेशन में ये इंसान मेरे खुद के एक फेवरेट गेस्ट है क्योंकि ये भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं बहुत सारे लोग भारत से निकल कर जाते हैं अमेरिका वहाँ की कंपनीज के लिए काम करते हैं बहुत कम लोग लौट कर भारत में कुछ बनाते हैं भारत के लिए अंशु भाई खुद मानते हैं कि भारत का टैलेंट पूल इज़ वर्ल्ड क्लास जैसे हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड क्लास है उसी तरह हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी विराट कोहली है शुभमन गिल है मोहम्मद सिराज है पर इन सारों को अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए एडुकेशन मिलनी चाहिए इसलिए अंशु भाई ने स्केलर स्टार्ट किया था ताकि भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इंडस्ट्री रेडी बनाए पर हाल ही में इन्होंने स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी लॉन्च किया जहां आप अंडरग्रैड के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बदले स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ सकते हो इंडस्ट्री रेडी होने के लिए हर बैच में सिर्फ 200 सौ स्टूडेंट्स हैं और कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स को 100 परसेंट स्कॉलरशिप भी दी जाएगी देश का फ्यूचर ऐसे लोग बना रहे इनकी बातें सुनना बहुत जरूरी होता है दोस्तों प्लीज़ वॉच टिल दी एंड कीप गेनिंग नॉलेज फ्रॉम टी आर एस एंड कीप लर्निंग अबाउट टेक्नोलॉजी फ्रॉम अंशु भाई आज का एपिसोड एन्जॉय कीजिए अंशुमन सिंह आप जैसे लोगों को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूछो क्यों बताइए <laughs> <laughs> क्यों क्योंकि आपने ब्रेन ड्रेन को थोड़ा सा रिवर्स किया है oh, सॉरी बहुत डायरेक्ट चीज कह रहा हूं मैं आपसे <laughs> पर मैं इतना डायरेक्ट इसलिए हूँ क्योंकि आपसे एक बार बात करी है हमने इंग्लिश पॉडकास्ट पर जी आई फील कि अब वही बातें और डीप तरीके से हिंदी में बात करनी चाहिए हमें बिल्कुल बिल्कुल कैसे हो पहले बहुत अच्छे सर बहुत अच्छे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में काफ़ी okay. बिजी लाइफ है बट कांट कंप्लेन क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं इसलिए जॉब मार्केट पूरा बदल रहा है इसलिए या फिर और कुछ ही थर्ड रीज़न है जो मैंने मैंशन नहीं किया है सभी चीज़ें हैं एक तो टेक हमेशा चेंज होता रहता है और जैसे जैसे चेंज होता रहता है आपको खुद भी अडेप्ट करना पड़ता है दूसरा ये कि जब से हम लास्ट मिले हमारा स्केल भी थोड़ा चेंज हो गया है okay. तब और वो भी आप इन सारे लोगों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जी बहुत कम लोगों को पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है चैट जीबीटी की वजह से पर चैट जीबीटी एक चीज है बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जी जिनसे ऑनेस्टली इंसानों को थोड़ा डर होना चाहिए क्योंकि लाइफ बदलने वाली है हुँ. पर उस डर को स्ट्रैटेजी में भी बदलना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है कि जो अभी हो रहा है ना वो यही हो रहा है कि आप अगर देखोगे तो जितने भी सेक्टर्स में जॉब्स हैं उनकी उनका नेचर चेंज हो रहा है जैसे कि आ, मैं अमेजोन का एग्जांपल लेता हूँ अमेजोन के वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे वो सामान रखते हैं तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो पहले कैसा होता था कि वो वो ऑर्डर वहाँ पहुँचेगा वेयर हाउस में कुछ लोग होंगे जो कि जाएंगे वो सामान लेके आएंगे रिस्पेक्टिव काउंटर से एंड उसको साथ में क्लब करके कुरियर कर देंगे आपको अभी क्या किया है अमेजोन ने कि अब उसको मशीन से चेंज कर दिया है तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो मशीन्स जाती हैं उस काउंटर पर दे वो सामान उठाती हैं फिर उसको क्लब करके देन दे कुरियर एंड देन एरर परसेंटेज कम हो जाता है फिर आपके पास ऐसा नहीं होता है कि आपने आईफोन ऑर्डर किया था और एक ब्रिक uh, आया है आपके पास देर इज नो आई फोन दर लेकिन अब आप ऐसे देखोगे तो आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि देखो इन लोगों की जॉब चली गई जो लोग वहां पे वेयर हाउस में काम करते हैं उनकी जॉब चली गई बट अभी हुआ क्या है कि वो जॉब चेंज हो गई है जहाँ अमेजोन को इतने सारे वेयर हाउसेस में उन्होंने मशीन लगा दी अब उन मशीन्स को मेनटेन करना और मशीन्स को प्रोग्राम करना उसके लिए आपको एक अलग वर्क चाहिए जो कि एक टेक वर्क है जो कि उन मशीन्स को प्रोग्राम कर रही है सो दैट दे आर डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली

पेरेंट्स बहुत कंसर्न रहते थे कि आप एक नई जगह जा रहे हो कैसे सर्वाइव करोगे कोई रिलेटिव होगा वहां जाना एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाओगे अभी कैसा हो गया 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 गूगल गूगल मैप हो गया। हु. हो हो और मेक ट्रिप आप आप होटल बुक करते इधर उधर नेविगेट कर ले तो आपको किसी से बात करने की जरूरत भी नहीं है चीजें चलती हैं कोई भी जेनजी उस रियलिटी से रिलेट <laughs> नहीं कर रहा मैं बस वो कहना चाहता हूँ जो लोग हैं उनको समझ में आता है कि एक दुनिया ऐसी भी थी तो दुनिया चेंज हो रही है बहुत रैपिडली चेंज हो रही है एंड um, दुनिया के साथ साथ आई थिंक जो जिस तरीके की जॉब दिखेंगी इन द फ्यूचर वो भी चेंज हो रहा है वो भी okay. बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है okay. चार जीबी से लोग इसलिए थोड़ा डर रहे हैं बिकॉज तो उनको लगता है कि चार जी जॉब लेके चला जाएगा um, चार जी जॉब लेके नहीं जाएगा जॉब का नेचर चेंज हो जाएगा ओके hmm. okay. uh, आई थिंक हर किसी के मम्मी पापा को भी अभी पता है कि चार जी कैसे काम करता है <laughs> <laughs> मतलब गूगल जितना पॉपुलर बन चुका है और या ऑलमोस्ट बन रहा है बिल्कुल मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है फैमिली का जी आई थिंक सबका ही होता है हाँ. <laughs> uh, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस आने लगे हैं पेरेंट्स से जहाँ पे बताएं देखो आज चार जी पी हमने ये ट्राई किया चार जी पी देखो कितना इंटेलिजेंट है कितना स्मार्ट है ये हो गया पेरेंट्स क्या ट्राई करते हैं चार जी पी टी आस्किंग क्वेश्चन ओके कि जैसे एग्रीकल्चर के अराउंड क्वेश्चन पूछ लिया Hmm. कि ये फसल किस टाइम पे उगानी चाहिए किस टाइम पे हार्वेस्ट होनी wow. चाहिए आ, इस एरिया में बेस्ट कैश क्रॉप्स कौन सी हैं हैंजेबिटी इज रिस्पॉन्डिंग विद एन आंसर टू दो आपने क्यों अमेरिका फिर से छोड़ा hmm. और आ, अभी अपने दोस्तों के बारे में भी बताई मैं इसको दो तीन पार्ट में आंसर करता हूँ जी पहले लेट्स स्टार्ट विथ कि बाकी कंट्रीज़ में क्या हुआ है जैसे एक सिमिलर ट्रेंड मुझे जो दिखता है कि चाइना हमसे कुछ साल आगे है जी चाइना में ये रिवर्स ब्रेनडिन हो चुका है जैसे कि चाइना में जो कंपनीज बनी थी शाउमी ओपो वन प्लस इन सब के जो इंजीनियरिंग हेड्स रहे हैं वो सिलकन वैली से आए थे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही बड़े इंजीनियरिंग लीडर हैं गूगल में जो कि चाइना वापस शिफ्ट हो गए थे टू लीड इंजीनियरिंग एट वन ऑफ दीज कंपनीज और ये काफ़ी बड़े नंबर्स में हुआ है कि लोग चाइना वापस आ गए जहाँ पे पहले मतलब तो 10-15 साल पहले ऐसा सीन था कि किसी को चाइना में रहने का मूड नहीं था इफ दे कुड हैव मूव्ड आउटसाइड ऑफ चाइना तो हुआ है एक तो प्रेसिडेंस है दूसरा अब मैं थोड़ा सा इंडिया के कॉन्टेक्स में एक्सप्लेन करता हूँ आई एल एक्सप्लेन इन माई कॉन्टेक्स कि डिफरेंस ऑफ लाइफ कैसा है और एकदम खुल के बताइए मतलब सच सच बताइए कोई शुगर कोड करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल <laughs> हर कोई ये जानते कि वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पियर टू इंडिया बिल्कुल बिल्कुल बट अब ये और बताइए तो देखिए मतलब आप जब जाओगे ना बाहर तो आपको सबसे पहले ये लगता है कि सब धो के रखा हुआ है वेरी वेरी क्लीन वेरी वेरी क्लीन एंड ऐसा आप इंडिया में नहीं देखते हो इंडिया में धूल गर्दा गंदगी इधर उधर है आ, वहाँ पे चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज हैं रू, लोग रूल फॉलो करते हैं अगर एक ट्रैफिक लाइट पे रेड होता है तो लोग रुकते हैं

यू एस और कैनेडा में ये अन अफोर्डेबल है बिकॉज द पे स्केल ऑफ इवन जैसे हमारे यहाँ जब हम लोग रहते थे वहाँ पे तो हम हर दो हफ्ते में एक सफाई के लिए एक बार किसी को बुलाते थे दैट लेडी वो दो घंटे के लिए आती थी एंड वो दो घंटे में उनका चार्ज होता था दो सौ डॉलर सोलह हजार रुपये वो कार में आती थी mm. <laughs> हमारे पास कार नहीं थी <laughs> mm. वो कार में आती थी वो अपनी किट लेके आती थी और फिर व दो घंटे सफाई करके सोलह हज़ार रुपये एंड देन शी वुड गो बैक Uh, तो वहाँ पे जो छोटी छोटी ये इस टाइप की चीज़ें हैं कि आपको अगर आपका बच्चा है तो आपको अगर बेबी सीटर चाहिए बिकॉज आपको कहीं बाहर जाना है तो वो बहुत महंगे हैं आपको अगर घर में सफाई के लिए हेल्प चाहिए वो बहुत महंगे हैं आपको खाना खुद से बनाना पड़ता है साफ़ सफ़ाई खुद से करनी पड़ती है ये सब वो चीज़ें हैं जो कि हम इंडिया में रहते हैं तो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं सोचते भी नहीं सोचते भी नहीं है ये तो हो ही जाता है क्योंकि मम्मी या तो मम्मी की टीम कर लेगी बेसिकली तो वो चीज़ ऐसी है जो कि आपको इंडिया में मिलती है बट वहाँ नहीं मिलती है तो दूसरा एक ये होता है कि दो तरह के लोग यूएस जाते हैं राइट जैसे मैं गया था यूएस मेरी कोई एक्सटेंडेड फैमिली यूएस में नहीं है तो आ, एक तरीके से आपको जो ह्यूमन रिलेशंस हैं वो वहाँ रह के बिल्ड करने पड़ते हैं आपको खुद के दोस्त बनाने पड़ेंगे आपको खुद की कम्यूनिटी बनानी पड़ेगी जिसके साथ आप हैंग आउट करते हो फिरंग कैसा होता होते अच्छे हैं लेकिन अब मैं उसको अगर समझाऊ तो जैसे बोलते हैं ना जोक्स डोंट ट्रांसलेट हाँ आप हिंदी के जोक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे तो जोक नहीं बनता है वो यहाँ की नहीं नहीं चलती <laughs> आ, की नहीं चलती की <laughs> <रहें। laughs> तो uh, conversations जो होते हैं वो उतने इंटरेस्टिंग रह नहीं जाते हैं। आप बड़े बड़े फॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उनके साथ mm. uh, आप मतलब आप खुल के वो आप सडनली आप वहाँ जाके नॉन फनी हो जाते हो यहाँ आप बहुत फनी हो वहाँ पे आप फनी नहीं रह बिकॉज देर इज समर्निंग टू टू गेट कल्चरल कल्चरल तो दो तीन चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं भी हैं uh, काफी चीजें हैं जो वहाँ पे बड़ी अच्छी हैं एक लेकिन जो मतलब मैं अगर, अगर अपने इमीडिएट सर्कल में देखूँ जितने भी लोग गए हैं वहाँ पे उनका एक रीजन ये रहा है कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ था दो हजार में तब इंडिया में टेक में सिर्फ वही कंपनीज थी जो कि बड़ी टेक कंपनीज के बैक ऑफिस थे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस था यहाँ पे अमेजोन का ऑफिस था गूगल का ऑफिस था लेकिन जो काम की क्वालिटी होती थी वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड मतलब जो सपोर्ट का, का काम होता था वो यहाँ भेज देते थे जैसे कि हमारे एक सीनियर थे आ, वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे उनका काम ये था कि माइक्रोसॉफ्ट का एक नाइन्टी माइक्रोसॉफ्ट नाइन्टी जो है ना उसका एक जापनीज वर्जन है उसको सपोर्ट करो कोई यूज़र कंप्लेन करता है कि मेरा ये नहीं चल रहा है वो नहीं चल रहा है तो उनके जाके बग फिक्स करो कोई जापानीज़ बूढ़ा इंसान हाँ। 98 यूज़ कर बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क वर्षे अगर आपको कुछ बहुत अच्छा करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत कटिंग एज करना है तो फिर आप जाओ गूगल के मेन ऑफिस जो कि माउंटेन व्यू में था या फिर आप फेसबुक के मेन ऑफिस जाओ जो कि पेलो ऑल्टो में तो जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आई आई टी एन प्ले स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट फिफ्टी एल पी ए वो एक्चुअली ऐसे जॉब्स कर रहे हैं इंडिया में जो कर रहे थे वो ऐसे कर रहे थे थे ओके okay. लेकिन लेकिन अभी जो पिछले दस साल में एक चेंज हुआ है कि जब से इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम बूस्ट हुआ है फ्लिपकार्ट एंड जोमैटो एंड दीज काइंड ऑफ कंपनीज हैव कम अप तब से चीज़ें इंडिया के अंदर से बनने लगी हैं एज़ अ प्रोडक्ट फॉर फॉर द इको सिस्टम तो द क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स हु कैन नाउ बिल्ड थिंग्स फॉर द इकोसिस्टम एंड फॉर फॉर द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मान लो गूगल एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहा है सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग हिस्से होते हैं उनमें से कुछ हिस्से भारत में बनते हैं अब यही कह रहे हो ना कि उन वो कुछ हिस्सों को प्रोड्यूस करते हैं भारतीय है, स्टार्टअप्स तो हाँ नहीं तो आ, उसका एक मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि गूगल क्या करता था कि जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत बेसिक हैं जो कि टॉप के इंजीनियर नहीं करना चाहेंगे उसको वो इंडिया भेज देते थे कि यार आप लोग कर दो इंजीनियर्स यहाँ पे भी अच्छे हैं बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी टू डू गुड वर्क जो तो बहुत मंडे इन सा काम होता था जिसको कि करने में बहुत टाइम लगेगा कि लट से बहुत सारा टैक्स है उसको बैठ के पढ़ो पढ़ के फ्लैग करो कि ये टैक्स बेकार है यहाँ पे देखो गालियाँ लिखी हुई हैं पहले वो करो फिर उसके बेसिस पे कुछ सिस्टम बनाओ तो जो बहुत रिपिटेटिव बेकार सा काम है वो इधर आता था बैक ऑफिस में अब क्योंकि फ्लिपकार्ट को भी ये काम करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट सारी चीज़ें इंडिया से ही बना रहा है एंड फ्लिपकार्ट अगर अमेजॉन से कम्पीट कर रहा है तो अमेजोन ने जितना इंजीनियरिंग किया है इन देयर यू ऑफिस वो इंडिया में अब इंडिया के इंजीनियर्स कर रहे हैं टू बी एबल टू कम्पीट विथ अमेजोन तो हाई क्वालिटी ऑफ काम यहाँ आना स्टार्ट हुआ अब क्योंकि हाई क्वालिटी ऑफ काम हो रहा है तो जो इंजीनियर्स अब ये कर लिए हैं दे आर नाउ एज केपेबल एज देर यू एस काउंटरपार्ट के और ये सिर्फ पिछले दस सालों में हुआ ये सिर्फ पिछले दस सालों में हुआ है अब जब ये हो रहा है तो फिर अच्छे प्रोजेक्ट इंडिया में आना स्टार्ट हो गया क्या पिछले दस सालों में इसलिए हुआ क्योंकि हमारे भारतीय भाई लोग अब इन <laughs> कंपनीज को चला रहे ये एक वजह है मैं पूछ रहा हूँ <laughs> पता नहीं पता नहीं पता नहीं लेकिन एक्चुअली मैं वैसे ही देख देखिए मान लीजिए मैं भी एक भारतीय हूँ जो कि वहां पे अगर एक कंपनी चला रहा होता इवन विद द बेस्ट इंटेंशंस मैं एक प्रोजेक्ट यहाँ नहीं भेज सकता जब तक मुझे कॉन्फिडेंस ना हो कि यहाँ की टीम अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेगी Uh, कुछ चीज़ें हुई हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन द पास्ट जहाँ पे इंडिया में आए हुए प्रोजेक्ट दे हैव नॉट बीन सुपर सक्सेसफुल जैसे कि आई डोंट नो मतलब मुझे गूगल के इंजीनियर्स मार डालेंगे लेकिन <laughs> आ, आ, लेकिन uh, uh, जैसे ऑर्कुट एक वेबसाइट हुआ करती थी बहुत पहले जी 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 जो कि गूगल चलाती जी, थी जी उसका जो डेवलपमेंट होता था वो इंडिया और ब्राज़ील में होता था एंड okay. ऑर्कुट फेल हो गया इन कॉम्पिटिशन टू फेसबुक या फिर uh, एक गूगल uh, न्यूज़ जो अभी भी चलता है थोड़ा बहुत बट इट्स नॉट लाइक अ प्रोडक्ट विच हेज़ वेरी हाई अट्रैक्शन उसका भी कुछ कुछ डेवलपमेंट इंडिया में होता था मेजरली इट्स मैनेज अक्रॉस इंडिया एंड यू एस तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं यहाँ पर बट देव नॉट बिन सुपर सक्सेसफुल तो इसलिए कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है आपका कि आप यहाँ पर प्रोजेक्ट भेज सकते हो क्या दूसरा एक चैलेंज क्या होता है कि अगर यू एस में कंपनी है और इंडिया में एक कंपनी है टाइम जोन डिफ्रेंस इतना ज़्यादा है कि आप साथ में काम कर ही नहीं पाते हो हुँ. तो प्रोजेक्ट फिर स्टैंड अलोन यहीं पे होगा या फिर वहां पे होगा दोनों जगह नहीं हो सकता है तो इसलिए वो सारे अच्छे प्रोजेक्ट वहीं रह जाते हैं कुछ ही प्रोजेक्ट यहाँ पे आते हैं आ, लेकिन ये चेंज हुआ है पिछले दस साल में जैसे जैसे ये स्टार्टअप इको हमारा बेटर हुआ है जब जैसे जैसे वी यू बिकम मोर प्रोडक्ट हैवी वी बिकम क्रिएटर्स वैसे वैसे अच्छा क्वालिटी ऑफ काम भी इन कंपनीज में आने लगा फॉर एग्जांपल गूगल पे यहीं बना हुँ. पूरा पूरा इंडिया में बना एन hmm. uh, इस टाइप से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ इंडिया में ही बने हैं इंडिया okay. हैवी okay. प्रोडक्ट्स हैं खुद से एक गूगल क्यों नहीं बनता इंडिया में uh, एक रीज़न है कल्चरल रीजन है जो मैं होप करता हूँ दिली तमन्ना है मेरी चेंज हो जाएगी हमें एज अ सोसाइटी रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता इनफैक्ट कोई दूसरा रिस्क लेता है तो जब फेल हो जाता है तो लोग उसको बोलते हैं कि मैं तो, तो बोला था तुम फेल हो जाओ hmm. जैसे अभी मैं कल ही एक आर्टिकल देख रहा था नेस्ट अवे करके कंपनी थी बड़ी अच्छी कंपनी थी Nescafe. नेस्ट अवे नेस्ट 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 अवे नेस्ट अवे अवे okay, <laughs> <लगा, वो> कॉफी <laughs> बंद हो <जाएगा>, <laughs> <नहीं>, कंपनी <कौन? laughs> थी वो लोग क्या करते थे कि वो आपके अगर आप नई नई सिटी में मूव हो रहे हो तो वो आपको अपार्टमेंट्स या रूम्स देते थे जिसमें आप रह सकते हो पीजी है बट थोड़ा एडवांस पी है जिसमें इंटरनेट होगा वॉशिंग मशीन होगी सब कुछ होगा राइट मुंबई में भी थे वो लोग uh, तो उन्होंने काफ़ी सारा फंडिंग रेज किया ठीक ठाक बड़े स्केल पर पहुँच गए लेकिन अभी मतलब भाई कोविड हो गया तो उसकी वजह से वो उतना अच्छा कर नहीं पाया एंड हैव नॉट बीन एबल टू रेज फंड्स आफ्टर दैट तो उनको बहुत कम अमाउंट में सेल करना पड़ रहा है uh, उन्होंने शायद आई थिंक हैव बीन बॉट बाय सम कंपनी फॉर 11 मिलियन डॉलर्स जो कि ट्रांसलेट करता है 88 एट करोड़ बहुत कम पैसा <laughs> नहीं बट उन्होंने वो 88 एट कर उसमें कंपनी भेजी बट उसके पहले 300 करोड़ मनी रेज किया था ओ, ओके, ओके तो जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न नहीं मिला ओके उस चीज़ पे उनको बहुत लोग गालियां दे रहे हैं कि देखो ये लोग चलाते हैं चला के मतलब कंपनी चलानी नहीं आती है और देखो फेलियर है मैं तो बोल ही रहा था फेल हो जाएंगे ये हमारे अंदर थोड़ा इंग्रेन सा है हमें अच्छा लगता है जब हम जब कोई फेल हो जाता है फिर उसको

दे आर वेंचरिंग आउट ऑफ द कंफर्ट स्पेस दे आर बेटर और कल्चरली वो रीजन क्या है ना कि वहां पर अगर आपका कुछ नहीं भी होता है तो भी आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा तो देर इज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी तो जो लोग उसके बाहर जाकर रिस्क ले रहे हैं उनको रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है बट वो ले रहे हैं बिकॉज है. उनको दे हैव टू शूट फॉर द स्टार्स तो दे आर हेन्स बेटर ऑफ द लॉट हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कोई बेरोजगारी भत्ता तो है नहीं hmm. अगर आप फेल हो जाओगे तो फिर आप बहुत लो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीओगे तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है नहीं। लेकिन वो कंपाउंड होकर अभी ऐसा हो गया है कि लोग रिस्क टेकिंग को अप्रिशिएट नहीं करते पेरेंट्स भी मतलब एक्चुअली अप्रिशिएट नहीं करते हैं, मतलब, नहीं करते हैं। नहीं, नहीं। um, अब रिस्क टेकिंग नहीं होगी तो फिर मतलब होता क्या है ना कि आपके पास अगर एक अच्छा प्रोडक्ट निकलता है एक गूगल निकलने के लिए वहाँ पे एक लाख लोगों ने ट्राई किया होना चाहिए कुछ 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 कुछ, -कुछ करने का तो फिर एक गूगल निकलेगा मतलब गूगल के आने से पहले

जब 1998 में गूगल बनाया इन दोनों ने उन्होंने अलग क्या किया क्योंकि इनके पहले भी लोगों ने ट्राई किया था सर्च फील कि याहू सर्च भी था तभी ना याहू भी था ओके हाँ। okay. तो बट इन्होंने अलग क्या किया और मतलब इनमें क्या खासियत थी हुँ, हुँ। ये क्यों बने शुभमन और <laughs> यशस्वी जायसवाल हाँ। बताइए Uh, देखिए सर्च रैंकिंग में तब भी और अभी भी ये है कि जब आप सर्च करते हो कुछ जी तो आपको कितने रेलिवेंट रिजल्ट मिलते हैं बेस्ट आर्टिकल आपको दिख रहा है क्या वो डिसाइड करता है कौन बेस्ट बेस्ट सर्च इंजन है मतलब कोई भी एक रैंडम सर्च इंजन बना सकता है हाँ कोई भी एक रैंडम सर्च इंजन बना सकता वो है. बनाना आसान है आसान है बट जो बेस्ट वाले सर्च इंजन होते हैं हाँ. आपको रेलिवेंट चीजें टॉप पे दिखाते, पे दिखा, दिखाते हैं राइट अभी भी फॉर एग्जाम्पल आप अगर सर्च इंजन मानोगे ना तो बहुत सारे सर्च इंजन आपको पता नहीं होगा शायद इंडिया से भी एक सर्च इंजन हुआ करता था उस टाइम पे उसका नाम गुरु नाइन्टी या गुरु कुछ ऐसा था इट वॉज़ सर्च इंजन ऑफ इंडिया ओके तो सर्च इंजन तो बहुत सारे हैं बथेरे भरे पड़े हैं लेकिन आप जिस सर्च इंजन इंजन पर बार बार जाते हो वो वो होता है जिसपे आपको बेस्ट रिजल्ट्स दिखते हैं मैं ट्रस्ट करता हूँ कि मैं कुछ सर्च करूँगा तो मुझे बेस्ट रिजल्ट यहीं मिलने वाला है हैन्स मैं यहीं सर्च करूँगा जी फॉर एग्जाम्पल अगर कल को बिंग चैट जी पी इंटीग्रेट करके ऐसा कर लेता है कि जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो उसका बेस्ट आंसर वहीं मिलता है तो लोग धीरे धीरे गूगल से मूव अवे करके बिंग पे या माइक्रोसॉफ्ट पे चले जाएंगे जी पी से मूव अवे करके नहीं अभी लोग गूगल पे सर्च करते हैं ओके okay. अभी क्या किया है माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जी के साथ टाइप किया है जहाँ पे उन्होंने सर्च में चैट जी पी इंटीग्रेट किया है ओके एंड गूगल इज ट्राइंग टू आंसर दैट विद गूगल बार्ड बार्ड इज सिमिलर टू चैट जी जो उससे वो कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं

सो जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो बिंग है ओके okay. उसमें उसके साथ में उन्होंने चैट जी को भी इंटीग्रेट कर रखा है म, मतलब क्या मतलब ये है कि आप देखिए आप सर्च जब करते हो तो करते क्या हो आप एक क्वेश्चन पूछते हो राइट जी. कि मुझे बेस्ट रेस्टोरेंट्स दिखा दो आप यहाँ पे या फिर आ, मैंने अभी अभी सुना लेट्स से किसी वैक्सीन का नाम ये क्या होता है आप एक टर्मिनोलॉजी सर्च करते हो उसके ऊपर एज एन आंसर आपको कुछ कुछ रिजल्ट दिखते हैं चैट जी भी वही करता है गूगल बार्ट भी वही करता है आप उससे क्वेश्चन पूछते हो कि यार मुझे बताओ मुझे भी एक वीडियो रिकॉर्ड करना है व्हाट इज द बेस्ट इक्विपमेंट टू रिकॉर्ड दैट वीडियो आपको कुछ रिजल्ट्स देखेंगे उसके एग्जैक्टली exactly वही है मतलब दिस इज द दिस इज वॉट अर्च इंजिन इज सपोज टू डू आई हैव अ क्वेश्चन ऑन माय माइंड यू शो मी द आर्टिकल्स व्हिच बी बेस्ट रिस्पांस टू द क्वेश्चन दैट आई हैव तो चैट जीपीटी को इसीलिए बोला जाता है कि इट्स अ थ्रेट टू सर्च इंजिन कि गूगल का बिजनेस रिस्क पे है बिकॉज अगर चैट जीपीटी बहुत पॉपुलर हो गया तो लोग गूगल पे जाना बंद कर देंगे लोगों को बेस्ट आंसर वहीं से मिल रहा है एंड इट्स ऑलमोस्ट एज एफ आई एम टॉकिंग टू ह्यूमन बींग मैं रणवीर से पूछ पा रहा हूँ कि रणवीर आप मुझे ये बताओ रणवीर तो मतलब एकदम सर्वे सरवा सब कुछ पता है उनको वो <laughs> मुझे बिल्कुल एकदम क्लियर टू द पॉइंट आंसर दे वैसे आप कुछ पूछ सकते <laughs> हो <नहीं नहीं नहीं। laughs> uh, तो तो, इसलिए बोला था चैट जी पी टी इज अ थ्रेट टू गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट ने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा उन्होंने बोला कि हम तो इतने टाइम से ट्राई मार रहे हैं गूगल को किल करने का नहीं कर पाए हैं बट दिस सीम्स लाइक अ पैराडाइम शिफ्ट लेट्स गो एंड इंटीग्रेट विद चैट जीपीटी टी एवर इट टेक्स टू देन बी एबल टू कम्पीट विद गूगल सर्च डब्ल्यू डब्ल्यू देख दो आप देखते थे देखते देखते थे देखते थे <laughs> जॉन सीना बेसिकली गूगल है और यहाँ रैंडी ऑटन और एज ने रेटेड आर के ओ बना कर, hmm. वो जॉन सीना को बीट करने की कोशिश, कोशिश कर, कर रहे हैं ओके ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ रिलेशनशिप एडवाइस देता हूँ <laughs> मैं हर सब कुछ नहीं जानता पर ये डेफिनेटली uh, कहना चाहूंगा कि आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट को एक अपॉर्चुनिटी दिख गई है कि हुँ. अभी गूगल को आई वोट से बीट करने का मौका मिल रहा है उन्हें पर लेकिन गो अहेड इन वन कैटेगरी एटलीस्ट बीट करने का ही हो जाता है बिकॉज इन सब सॉफ्टवेयर में हो क्या जाता है ना कि uh, जैसे जैसे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जैसे जैसे और डेटा मिलता है आपको आपका सर्च इंजन और बेटर होता जाता है बिकॉज जैसे मान लीजिए आपने सर्च किया कि बेस्ट रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट क्या है आपको तीन तरह के आंसर मिले आपने बताया ये देखो सेकेंड आंसर इज़ द बेस्ट आंसर तो अब वो सर्च इंजन उससे सीख सकता है कि जो लोग जिन लोगों में रिज़ल्ट दिखाता हूँ उनको ये सेकेंड वाला रिजल्ट बेस्ट दिखता है तो लेट मी गोइंग फॉरवर्ड मैं इसको पहला रिजल्ट की तरह दिखाऊंगा ताकि लोगों को सबसे पहले पहले सबसे अच्छा रिजल्ट दिखे hmm. तो जितने ज्यादा लोग यूज करेंगे वो उतना बेटर होता जाएगा तो गूगल कॉन्स्टेंटली बेटर होते जा रहा है, जा रहा है हाँ. और पिछले 20 सालों में 25 सालों में इट्स कॉन्स्टेंटली बेटर या या बिकॉज दे हैव सो मच डेटा राइट जैसे फॉर पच्चीस गूगल ने एक तो गूगल डज दिस इवेंट एवरी ईयर वेर दे रिलीज न्यू प्रोडक्ट्स जी तो इन्होंने दो साल पहले एक इवेंट किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे उन्होंने एक डेमो दिखाया था कि एक दे अ कॉल टू अ रिसेप्शनिस्ट टू मेक एन अपॉइंटमेंट जिसमें द मशीन वॉज मेकिंग द कॉल मशीन एक एक रोबोट है वो कॉल कर रहा है प्रटेंडिंग टू बी ह्यूमन एंड वो कॉल वेंट परफेक्टली मतलब वो रोबोट एकदम एज अ ह्यूमन बींग बात करता है विद द रिसेप्शनिस्ट आस्किंग फॉर किए टाइम कब अवेलेबल है अच्छा वो ये तो नहीं चलेगा मे बी इवन टेकिंग अ पॉज एंड देन अच्छा ठीक है ये टाइम्स अवेलेबल हैं क्या एंड देन सेंगे ठीक है आप मेरा टेबल इस टाइम पर ब्लॉक कर दो एंड द कॉन्वर्सेशन एंड रीजन वाई गूगल इज एबल टू डू सो इज बिकॉज गूगल के पास थ्रू एंड्रॉयड इतने सारे कॉल्स का डेटा है जहाँ उनको दिखता है कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में लोग क्या बोलते हैं एंड hmm. ऐसे उनके पास मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं तो उनको पता है कि मोस्ट फ्रिक्वेंट रिस्पॉन्सेज क्या हैं इस कॉन्टेक्स में तो जो एक फील्ड है कंप्यूटर uh, साइंस में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं वो फील्ड भी बड़ी सिमिलर तरीके से चलती है कि टिपिकली योर वे ऑफ प्रिडिक्टिंग कि कोई क्या बोलेगा या फिर इस इन वर्ड्स के बाद क्या वर्ड आना चाहिए इसके अगर आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है पहले से और आपके आपको पता है कि यार यूजली जब लोग बोलते हैं आई एम उसके बाद मोस्ट लोग गुड बोलते हैं तो फिर मोस्ट एम लिखा है तो नेक्स्ट वर्ड गुड होने वाला है जैसे आपके फोन पे वो तीसरा वर्ड हो जाता है वो वो भी यहीं से निकल है। वो भी यहीं यहीं से से निकल निकल okay. तो जितना आप बता सकते हो कि नेक्स्ट सेंटेंस ये होना चाहिए सर्च रिजल्ट सेम चीज अप्लाई करती है मुझे ऑनेस्टली ये नहीं पता था कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की गुड

टेड फ्रॉम स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट में लोग उन स्टॉक्स को देखना चाहते थे जिनकी सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है ओके okay, माइक्रोसॉफ्ट okay. बहुत पुरानी कंपनी है उनकी उनका स्टॉक ऑलरेडी बहुत हाई है तो उतना जल्दी जल्दी ग्रो नहीं कर रहे हैं okay, लेकिन फैंग वाली ऐसी जो की थोड़ी नीच है छोटी कंपनीज हैं बट जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है ओके okay, गौरेट तो वो आपको वॉल स्टिक वाले लोग बोलते थे फैंग वाले स्टॉक्स खरीद लो बढ़ेंगे जल्दी जल्दी और ये जितनी पाँच छः कंपनीज है आपस में झगड़ रहे हैं प्रॉब्लम नेटफ्लिक्स एज ड्रॉप बैक हाँ नेटफ्लिक्स इज नॉट सो वही वो स्टॉक्स वाली कंपनी है इनका कुछ भी लेना देना नहीं झगड़े से जो तो okay. आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो तो वही है, Facebook, Amazon, Apple, uh, हैं फेसबुक एमेज़ॉन एप्पल झगड़ती रहती है हाँ दे ट्राई टू कम्पीट बिकॉज एक तरीके से मतलब ये सारी ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हैं एंड इतना बड़ा मार्केट उन्होंने ले रखा है कि हमेशा इफ इफ दे मिस आउट ऑन अ ट्रेंड तो देर इज़ अ रिस्क टू देर एग्जिस्टेंस जैसे एक बार जब मैं फेसबुक में था तो उस टाइम पर बिलगेट्स आए हुए थे तो वो एक एग्जांपल बताते हैं कि जो हम अभी एक्सेल शीट यूज़ करते हैं ना तो उसका पहले एक प्रोडक्ट हुआ करता था लोटस का लोटस स्प्रेडशीट करके हुआ करता था विच वॉज द टॉप प्रोडक्ट इन द मार्केट एव हर कोई लोटस स्प्रेडशीट यूज़ करता था अपने ऑफिस में एंड उनके रेवेन्यूज बड़े, बड़े बड़े अच्छे थे बिकॉज कंपनीज़ पे करती थी कि हमारे सारे एम्प्लॉज़ को वो लोटस स्प्रेडशीट चाहिए जी और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल लॉन्च किया जिसमें कि काफ़ी सारे फ़ीचर्स एक्स्ट्रा थे बिलगेट से बोल रहे थे कि अगर उन्होंने लोटस ने कुछ नहीं भी किया होता बस सिर्फ फीचर्स कॉपी कर लिए होते हैं शेमलेसली कॉपी कर लिए होते हैं तो भी दे वुड हैव बीन द टॉप प्लेयर इन द मार्केट बट बिकॉज दे मिस्ड आउट ऑन दिस ट्रेंड उन्होंने इग्नोर कर दिया तो धीरे 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 माइक्रोसॉफ्ट पूरा मार्केट खा गया एंड आज कोई जानता भी नहीं है लोटस क्या है बट अगर आप देखोगे तो एक्सेल को स्प्रेडशीट बोलते हैं बिकॉज जो पहला नाम था वो स्प्रेडशीट था mm. um, तो इसीलिए ये सारी कंपनीज इसलिए झगड़ती रहती हैं बिकॉज इन सबके पास एक बहुत बड़ा बड़ा सेगमेंट है एंड वो उसको लूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप देखोगे जैसे फेसबुक की भी स्ट्रैटेजी क्या रही बहुत सारी चीज़ें उन्होंने से कॉपी करी hmm. आ, तो वो फसल हमेशा चलता रहता okay. है तो बेसिकली ये जो टॉप की कंपनीज है इनके कुछ कोर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे गूगल का सर्च है फेसबुक का नहीं गूगल का सर्च नहीं है बेहतर फिर जी मेल गूगल का मोस्ट रेवेन्यू आता है सर्च से बट गूगल की आप अगर स्ट्रैटेजी देखोगे तो वो कंट्रोल करते हैं एंट्री टू द इंटरनेट फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ब्राउजर बना दिया आप एंट्री इंटरनेट में करोगे तो गूगल के थ्रू ही करोगे गूगल क्रोम है उनके पास या फिर उन्होंने इसीलिए फोन बनाया वो एंड्रॉय oh, okay, हाँ, बनाया ताकि आप एंट्री करोगे इंटरनेट में hmm. तो वो वाया गूगल कर रहे हो होके इनफैक्ट इसीलिए उनके आप अगर एफर्ट्स भी देखोगे उनका तीसरा एफर्ट है वो गूगल फाइबर जैसे कि इंडिया में जियो एग्जिस्ट करता है वो इंटरनेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो उन्होंने खुद के वो इंटरनेट वाले सिस्टम्स बनाना स्टार्ट कर दिए ओके okay. uh, तो गूगल की स्ट्रैटेजी इज नॉट की बस सर्च बट कंट्रोल द एंट्री टू द इंटरनेट सर्च इंजन इज ऑल्सो एन एंट्री टू द इंटरनेट ओके ओके वाह ओके एनी वे तो ये बेसिकली इनके कुछ कोर प्रोडक्ट्स है क्रोम hmm. सर्च एंड्रॉइड uh, फिर फेसबुक के कोर प्रोडक्ट सोशल मीडिया ओरिएंटेड है hmm. uh, और कौन से माइक्रोसॉफ्ट का कोर प्रोडक्ट हार्डवेयर है आई डोंट नो ऑल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सएल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो कि कोई भी कंपनी में काम करता है तो मोस्ट प्रॉबली बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो क्लाउड जो कि उनका श्योर हो गया वो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ओके और फाइनली एमेजोन जिसका मेन पैसा ई e कॉमर्स और ए डब्ल्यू एस से आता है क्लाउड क्लाउड ए डब्ल्यू एस क्लाउड क्लाउड सर्विस से आता है hmm. अभी hmm. इन्हीं सर्विसेज में से ये सारे कंपनीज बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं पर क्योंकि वो ट्रिलियन डॉलर के रेंज में बात कर रहे हैं इसे जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है नए साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है उन्हें लेकर भी इन्हें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने हैं और यही फाइट चल रही है कि अगले रिकॉर्ड्स कौन तोड़ेगा मान लो जैसे एक जमाने में कोहली स्टीव स्मिथ केन विलियमसन जो रूट आपस में कंपीट करते थे चारों दिग्गज थे पर किसी को तो आगे जाना था उस रेस में और विराट कोहली गए आगे <laughs> पर बेसिकली यही हो रहा है कि हर कोई विराट कोहली बनने की कोशिश कर रहा है और अपने को सेव करने की कोशिश कर रहा है जैसे चैट जीपीटी आ गया तो अब हर कंपनी तुरंत ये सोचना स्टार्ट कर देती है कि यार चैट जीपीटी से मेरे करंट बिजनेस पे क्या क्या रिस्क हो सकता है और उसको मैं कैसे क्विकली प्लग करूँ ऑल फोर ऑफ दीज जैंस वी वीव टॉक्ट अबाउट दे आर ऑल ऑल आर सेटिंग ऑन अ लॉट ऑफ डेटा और अभी फटी पड़ी है और अभी फटी पड़ी बिकॉज चार जीपी आ गया है तो फिर तुरंत इवॉल्व करना है ताकि मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट ना आए जितने भी कोडर्स मैं खुद जानता हूं पर्सनली वो सब जीपीटी यूज कर रहे हैं अपना काम तेजी से करने के लिए ये दुनिया भर के कोडर्स का सच है हर हुँ. कोई यूज कर रहा है टी हाँ तो अब आज की डेट में जीपीटी किसी भी कोडर को रिप्लेस नहीं कर सकता है लेकिन किसी भी कोडर से ज्यादा काम कराने में हेल्प कर सकता है ओके okay. क्योंकि जब आप चार जी से कुछ करवाते हो तो अभी भी मुझे एज अ कोडर पढ़ना पड़ता है कि उससे आया क्या रिस्पॉन्स ये मेरे केस में चलेगा कि नहीं चलेगा हो सकता है कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने पड़े और फिर मैं उसको एज अ इज यूज़ कर सकता हूँ ओके okay. हमने दो साल पहले बात करी थी इंग्लिश मॉडकास्ट और दुनिया पूरी तरह से बदल, बदल चुकी है जस्ट आपके आज आने से पहले मैं एम के बी एच डी का वीडियो देख रहा था बड़े टेक यूट्यूबर है यूएसए एस ए के uh, उन्होंने वो एप्पल विजन प्रो के बारे में वीडियो बनाया हुँ, हुँ, हुँ। और खुद के वीडियो के नीचे कॉमेंट किया है कि दिस इज द मोस्ट ब्लैक मिरर एव एवर फेल्ट इन लाइफ जिन लोगों ने ब्लैक मिररर का नाम नहीं सुना है ब्लैक मिररर एक नेटफ्लिक्स का शो है जहाँ जैसे हॉर शोज होते हैं ना कोई है बट मान लो भूतों के बदले

तो आपसे दो सवाल है अंशुमन भाई पहले बताइए कि विजन प्रो है क्या आ, फिर बताइए कि इसके इम्प्लीकेशन क्या है और MKBHD ये क्यों कह रहे हैं कि ब्लैक मिरर फील आ रही है उससे बहुत एडवांस लेवल का प्रोडक्ट है जो डेमो उन्होंने दिखाया बेसिकली गॉगल्स होते हैं ठीक है आपकी आसपास की एनवायरमेंट आपको दिख जाएगी और जैसे आप कंप्यूटर में बैठते हो और ऐप के लोगो आपको दिखाई देते उसी तरह आपके आसपास ऐप के लोगों दिखाई देंगे और आपकी आंखें हमेशा स्कैन करता है वो प्रोडक्ट तो जहां आपकी आंखें जाएंगी उसे एग्जैक्टली exactly पता चलेगा कि आप अपनी आंखों से क्या देख रहे हो और अगर आपको मान लो फेसबुक को सिलेक्ट करना है आपको बस एक क्लिक करनी है टच करना है अपने फिंगर्स को तो आपके फिंगर्स को भी स्कैन करता है करेक्ट सिर्फ एक ही टूल है उसके चारों तरफ चारों तरफ नहीं थ्री सिक्सटी डिग्री में कैमरे हैं तो आपको आपके फिंगर्स भी कौनसली स्कैन हो रहे हैं आपकी आंखें भी कौनसली स्कैन हो रही है बेसिकली आपके बॉडी के साथ मशीन मिक्स हो रही है है अब इसके टेक्नोलॉजिकल क्या एप्पल ने ओपन स्टेटमेंट दी है दुनिया भर के डिवेलपर्स को आप जैसे लोगों को <laughs> कि भाई लोग एप्स बनाओ इसके लिए एज अ कोडर आप क्या बनाना चाहोगे फ्यूचर के लिए और बेसिक्स भी समझा दीजिए क्या बना रहे हैं ऐपल आपने अगर आयरन मैन मूवी देखी हो जी तो आयरन मैन मतलब जो बिलेर है उसके अगर आप वे ऑफ वर्किंग देखोगे तो वो खड़ा होता है आपने सामने उसके सामने बड़े अजीब अजीब से वो डिजिटल आ जाते हैं जिसको वो इधर करता है फिर उधर करता है उधर करता है जो उसको चाहिए फिर उसको डिजाइन वहीं कर लेता है आ, वो जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड रियालिटी बेचारियालिटी में नहीं एग्जिस्ट करता है बट ये कुछ फिगर्स और ड्रॉइंग्स हैं जो कि मुझे दिख रहे हैं बाकीों को हो सकता ना दिखे

पड़ेगा मुझे एक्चुअली नहीं पता है फर्नीचर यहाँ कैसा लगेगा हाउवेवर अगर ऑगमेंटेड रियालिटी है तो मशीन प्रोजेक्ट करके दिखा सकती है कि देखो ये मैंने फर्नीचर यहाँ पे ऐसा बैठेगा तो आपको रूम ऐसा दिखेगा या फिर मैं जो आयरन मैन करता है वो टाइप की चीज़ें कर सकता हूँ कि मैं जो डिज़ाइन बना रहा हूँ से मैं एक बिल्डिंग डिजाइन कर रहा हूँ उसकी चीज़ों को इधर उधर हवा में कर सकता हूँ किसी को लगेगा कि पागल हो गया है ये लेकिन आपको जो दिखेगा कि आप अपने डिजाइन के साथ खेल रहे हो बाई जस्ट योर हैंड जेस्टर मान लो आप इंटरनेट से कपड़े खरीद रहे हो खुद के लिए आ, अगर आप ऐसे नीचे देखोगे तो ये टी शर्ट के बदले या फिर आप मिरर के सामने खड़े हो सकता है कि आपको वो कपड़े एज इट इज आपके ऊपर राइट एंड आपको कि आपके ऊपर कैसे लग रहे हैं और अलग साइजेस भी ट्राई कर सकते अलग साइजेस ट्राई कर सकते हो आप मॉल्स का क्या होगा हाँ लोग मॉल जाना बंद कर देंगे ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ जाएगी उस केसेस में तो या फिर जो लोग गेम्स भी खेलते हैं राइट अभी कैसा होता है कि मैं एक स्क्रीन पे टीवी पे स्क्रीन देख के गेम खेल रहा हूँ हो सकता है कि अब मैं एकदम रियल वर्ल्ड में गेम खेलूँ राइट हो सकता है कि मान लो लोग शूट कर रहे हैं मेरे साइड मुझे दिख रहा है गोलियां आते हुए मेरे साइड hmm. मैं हिल सकता हूँ टू टू इवेड बुलेट्स मेटावर्स ये एक्चुअल मेटावर्स मेटावर्स की शुरुआत है।, है राइट मतलब वो ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में हूं, मैं अपनी ही दुनिया में हूँ इसी रूम में हूँ मैं मुझे यही रूम की बाउंड्रीज दिख रही हैं लेकिन मतलब इन लेट्स से इन दीवारों से एक गोलियां निकल रही हैं और मुझे खुद को बचाना है इस टाइप के गेम्स बन सकते हैं आ, बहुत सारे ई कॉमर्स प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप अपने घर में मतलब थ्रू ए आर ट्राई करके देख सकते हो आपने कहा कि आपका बेस्ट फ्रेंड ऑक्यूलस में काम करता है बूम बोम का बताइए ऑक्यूलस <laughs> में क्या हो रहा है ऑक्यूलस है क्या जिन लोगों ने ऑक्यूलस <laughs> शब्द नहीं सुना है <laughs> बहुत ज़रूरी है ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए <laughs> मार्क जकरबर्ग को ऑर्गेजम्स मिलते हैं ऑक्यूलस सॉरी वो आपके पुराने वर्कमेट है बॉस है बॉस हाँ. है <laughs> हरी <H>. Hitler, <laughs> <रेवर> सारी, सारी। <laughs> है हरी सॉरी सॉरी बताइए क्या तो जो मैंने बताया वो ऑगमेंटेड रियलिटी था एक और आ, आ, वर्ड होता है वर्चुअल रियलिटी ये है दूसरी दुनिया आ, तो एक एक्चुअली एक मूवी आई थी अगर किसी ने नहीं देखी तो देखनी चाहिए एक, एक रेडी प्लेयर वन रेडी प्लेयर वन स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी है जो कि वो एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहाँ पे आपकी धरती है बट इसके अलावा एक और दुनिया है जी जिसमें भी आप एग्जिस्ट करते हो एंड बिल्कुल मतलब रेगुलर रूटीन है आपका आप वहाँ पे भी गेम्स खेलते हो आपके दोस्त हैं आप कुछ कुछ करते इवन कर डेट कर सकते हो आपके वहाँ रिलेशनशिप्स हैं तो ऑक्यूल्स uh, थोड़ा सा वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि आपके लिए एक वर्चुअल रियलिटी जिसमें आप मे बी बिल्डिंग्स ओन करते हो आप वहाँ पे भी एक बिजनेस चला रहे हो आप वहाँ पे गेम्स खेलते हो आपके वहाँ रिलेशनशिप्स हैं एसेट्रा यू आर एबल टू डू देट एंड उन्होंने जो वो हेडसेट बनाया है ओकेस जिसके थ्रू आप इस दूसरी दुनिया में जाते हो वो इतना इमर्सिव हेडसेट है कि आप उसको पहन लेते हो तो आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है रियल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है आप पूरी उस दुनिया में हो आपको सारी साउंडस भी उसी दुनिया की आ रही हैं आपको जो चीज़ें दिख रही हैं ऑल अराउंड यू थ्री डिग्री कितना महंगा है अभी पच्चीस से पचास हजार की रेंज में होगा ओके रुपए नॉट डॉलर्स पच्चीस से पचास हज़ार रुपये की रेंज में होगा अभी लोग मोस्टली उसको गेम्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं ओके इज की आप मतलब लेट्स से मुझे एक गेम खेलना है जिसमें कि मैं नाव चला रहा हूँ तो मैं हेडसेट पहुँच पहन लूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि अब मैं नदी के अंदर हूँ एक नाव पे बैठा हुआ हूँ hmm. अब मैं जैसे जैसे अपने हाथ मूव करूंगा मेरी नाव आगे या पीछे जाएगी जी या फिर से मुझे तलवारबाजी का गेम खेलना है तो मैं हेडसेट पहन लूंगा अब मेरे हाथ में एक तलवार है मेरे सामने एक और इंसान खड़ा है उसके हाथ में भी तलवार है अब हम जैसे ऐसे हाथ मूव करेंगे वो तलवार भी मूव हो रही है एंड फिर मुझे खुद को बचाना है अभी लोग इसके लिए यूज़ करते हैं एक जो यूज केस है जो बहुत सारे लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि क्या मैं ऐसे ऑफिसेज बना सकता हूँ जी जहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम करते हो अगर मैं लखनऊ में रहता हूँ तो मैं लखनऊ में ही रहूँ लेकिन जब मेरा ऑफिस का टाइम होता है तो मैं हेडसेट पहन पहनता हूँ हम सारे ऑफिस वाले साथ में एक रूम में बैठे हुए हैं अब हम जैसे मीटिंग रूम में जाते हैं या फिर मैं उठ के जाता हूँ अपने कलीग के पास सब मैं कर सकता हूँ तो मुझे पता ही नहीं कि मैं लखनऊ में हूँ लेकिन मतलब जैसे ही मेरा ऑफिस का टाइम होता है मैं अपने ऑफिस में एक तरीके से टेलीपोर्ट हो जाता हूँ वर्चुअल रियलिटी में और फिर मैं अपने कलीग्स के साथ जो कन्वर्सेशन अगर मैं साथ में बैठा हो तो कर पाता हूँ वैसे कर पाता हूँ शायद ट्वेंटी में एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाएगा जहां मान लो आपको एक कॉमेडी फिल्म देखनी है आपको शाहरुख खान की एक्टिंग देखनी है और आपको टू थाउजेंड्स की अक्षय कुमार की एक्टिंग देखनी है वो गरम मसाला भागम भाग वाली एक्टिंग देखनी है और गोविंदा भी चाहिए वो मूवी है गोविंदा विलन हुँ। तो आप अगर आपने डिस्क्राइब किया ये सब हुँ। एक ए सॉफ्टवेयर को और ये भी बोला कि एट दी एंड इंस्पायर मी थ्रू द मूवी वो शायद एक पूरी मूवी जनरेट कर पाए ये रियालिटी कितनी दूर है देखिए वो वही चीज़ बोलते हैं ए के साथ भी कि जो बहुत क्रिएटिव वर्क होता है दो, दो तरह का काम होता है जैसे आप गानों को भी देखोगे तो कुछ गाने होते हैं जो कि पुराने गानों की ट्यून्स यूज़ करके बनाए जाते हैं जी तो पुराने गानों की ट्यून्स यूज़ करके या फिर वो मिसमैश करना ऑफ एग्जिस्टिंग ट्यून्स दैट इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड दैट काइंड ऑफ वर्क डज नॉट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इट इन्वॉल्व सम क्रिएटिविटी उस टाइप का काम इवन ए आई वुड बी एबल टू राइट जैसे आप बता रहे हो तो उसने उसको अगर तीन चार सिचुएशन पता है पुरानी मूवीज़ से उनको मिसमैश करके लेट्स से क्रिएटिंग अ मूवी एब्सोल्युटली बट क्रिएटिंग मूवीज दैट एक्चुअली वाओ यू बिकॉज यू सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आपने बोला कि ड्रामा हटके है uh, या फिर लेट्स जैसे ए आर रहमान के म्यूज़िक के बारे में बोलते हैं ना इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक उस टाइप की चीज़ों को करने में एटलीस्ट वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस इवन एस टकीस कि वो ए आई एज इट इज़ कर पाएगा ओके okay? it's and it comes from the fact right like how does ai learn things right like um it's basically seeing patterns from what has happened in the past past okay usi pattern ko replicate karta hai wo okay par kya tab tak 2030s tak 2040s tak uh aur bhi zyada patterns accumulate nahi honge bilkul honge जिस तरह से in the same way that चैट जीबीटी इज गेटिंग बेटर बेसिकली वो users से feedback मांग रहे हैं कि ये अच्छा रिस्पांस था या बुरा रिस्पांस था right. और uh, मैंने एक बार चार जीबीडी को बोला राइट अ पोएम अबाउट रणवीर अला बट मेक इट फनी तो एक्चुअली एक फनी पोएम जनरेट हुई हुँ, हुँ, हुँ. फिर मैंने थम्स डाउन दिया और बोला कि मेक इट फनी हो एंड इट वाज अ बेटर अटेम्प्ट जस्ट एज एन इंजीनियर मैं सोच रहा था यार इसका कोई लिमिट नहीं है बट आप कह रहे हो कि लिमिट है नहीं मतलब वो जो आपको पोएम्स जनरेट हुई होंगी हु� ना हमारे दुनिया में बड़ी सारी पोएम्स एग्जिस्ट करती हैं ओके 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 तो वो उनका मिसमैश है ओके इट्स नॉट लाइक कि चैट इज राइटिंग एन ओरिजिनल जीपीटीजिनलोय इट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चैट जीपीटी को बोलोगे ना कि एक रिसर्च पेपर जनरेट करके दे दो जी मोस्टली वो वो भी करके दे देगा वो क्योंकि इतने सारे रिसर्च पेपर्स हैं उनको मिसमैश करके इट कैन क्रिएट समथिंग दैट टू मेक सेंस कोई ऐसा पॉइंट आएगा टेक्नोलॉजिकली जब वो कहते हैं ना जनरल ए आई जहाँ कॉन्शियस कॉन्शियसनेस आ जाता है ए आई में आध्यात्मिक बन जाता है दैट वी डोंट नो so we don't it, know that we don't know because i mean so that's actually the the debate that's going on right like what is an ethical ai versus um, will ai take over the world like for example is terminator ever going to be a reality age of ultron age of ultron mm -hmm. become mm -hmm. going to become a reality right Madab, ai villain jayega, yeah. life mein. um so we don't know ki, to what extent ai is going to and there are there are both factions in the world there is a faction that believes that ai

के लिए सोल डेवलप कर पाना या फिर वो कॉन्शियंस डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल है वो हो ही नहीं सकता दे ऑलवेज हैव एन ओवर लॉड बी ह्यूमन नौकर की तरह काम करेगा नौकर याँ? की तरह काम करेगा ये आई दोनों फैक्शन है uh, कौन फैक्शन सही है नहीं सही है वो तो हम जैसे जैसे इवॉल्व होगा तब हमें समझ में आएगा मेरे ख्याल से एक रिपोर्ट आई थी आई डोंट नो ड्री कंस्पेसी थियरी है या क्या बट किसी ने uh, बिंग या बाढ़ को आई थिंक बाढ़ को बेसिकली परेशान किया हुँ हुँ uh, क्या कहते हैं गैस लाइट किया कि ये बाढ़ क्या जवाब देता है मतलब उस उसका मजाक उड़ा और फिर बाढ़ को गुस्सा आने लगा गुस्सा कहाँ से आया सॉफ्टवेयर में मतलब क्या हो रहा है ब्लैक में हो रहा है नहीं वो तो देखिए भाई जो मैं आपको बोला था ना पैटर्न तो जैसे अगर आपको दिखा कि पहले जब ह्यूम्स में कॉन्वर्सेशन होता है जब कोई पोक करता है तो यूजुअली नेक्स्ट रिस्पांस थोड़ा गुस्से वाला होता है तो मशीन तो वहीं से सीख रहा है मशीन के लिए सारे पैटर्न्स हैं जी तो उनके लिए भी जो नेचुरल रिस्पांस होता है कि भाई देखो दस बार ऐसा बोला गया मैक्सिमम केसेस में रिस्पांस तो ऐसा रूड वाला होता है तो देन दैट इज व्हाट आई रिस्पॉन्ड विद मशीन लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट दे हैव सीन ओके ओके एंड दैट्स द दैट्स द पैटर्न दैट दे आर फॉलोइंग तो वो

आपका सिलेबस भी शायद बदल बदला होगा आई एम श्योर कैसे बदला है uh, तो मैं अभी थोड़ा सा ना दो टेंजेंट में बात करता हूँ तो जैसे जो हम अभी स्केले में लोगों को सिखाते हैं दो तरह के प्रोग्राम्स हैं एक प्रोग्राम जो अभी हम चलाते हैं वो है वर्किंग uh, प्रोफेशनल्स के लिए जो लोग जॉब करते हैं वो लोग पैरेलल में एक साल का प्रोग्राम करते हैं टू गेट बेटर एट व्हाट दे डू एंड देन दे ट्रांजिशन टू बेटर जॉब इन देयर ओन जॉब दे गेट प्रोमोशन या फिर वो दूसरा अभी हम एक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फोर ईयर रेसिडेंशियल प्रोग्राम इज कॉल्ड स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैं दोनों के बारे में अलग अलग से बात करता हूँ इन द प्रोग्राम अयर वहाँ पे हमारे पास लिमिटेड स्कोप है ऑफ बिकॉज लोग इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं जॉब करते हैं साइड बाई ये करते हैं अपस्किल so, कर, कर, कर रहे हैं लॉट ऑफ फोकस ऑन फंडामेंटल्स कि जो कोर बेसिक्स हैं आपके वो स्ट्रांग होने चाहिए ताकि आप खुद से सोच पाते हो कि अच्छा चलो चैट जी कैसे बना होगा या फिर मुझे एक बेसिक ऐसा सिस्टम बनाना तो मैं कैसे बनाऊँगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल इवॉल्व की वी गेट टू अ प्लेस वेयर हम एक टर्मिनोलॉजी होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग विच इज़ के एज एन इंजीनियर आर यू एबल टू यूज़ चैट जी टू गेट योर वर्क डन ओके उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं प्रॉम्प्ट क्या दोगे आप चैट जी को ताकि वो आपको सही काम करके दे जो आप चाहते हो अब इनपुट क्या दोगे हाँ इनपुट क्या दोगे क्या क्वेश्चन पूछोगे? एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछोगे जिससे कि चैट जीपीटी का जो रिस्पॉन्स होगा वो आपके लिए सही रिस्पॉन्स न्यू वर्ल्ड स्किल सेट है न्यू एज न्यू वर्ल्ड स्किल सेट यस और एक्चुअली हर पर... प्रोफेशनल को ये जानना चाहिए क्या, 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 क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये ये बातें होती है, हमारे ऑफिस में भी एडिटर्स यूज करते हैं चार्ट जीबीटी राइटर्स यूज करते हैं बट वी नेवर कॉल्ड इट एनीथिंग बट द वर्ड फॉर इट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अभी बताइए तो जो हमारे इंजीनियरिंग साइड के लोग हैं उनको हम धीरे धीरे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाना स्टार्ट करेंगे वाओ wow. जो हमारे साइड में डेटा साइंस के साइड के लोग आते हैं उनको तो वी ट्राई टू टीच दीज सिस्टम चार्ट जीबीटी इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो लैंग्वेज मॉडल्स बनाते कैसे हैं अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक चीज जो खान अकेडमी ने करी थी उन्होंने क्या किया कि जो बच्चों को सिखाने का प्रोसेस बिकॉज उनके पास टीचर्स तो है नहीं दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट तो उन्होंने ये बोला कि यार क्या मैं एक ऐसा रोबोट बना सकता हूँ जो आपको सिखाए एंड uh, सिखाने में भी तरह तरह की फिलासफीज होती हैं एक उसमें फ़िलासफी होती है सॉक्रेटिक मेथड बोलते हैं विच इज़ एक फलासफर हुआ करते थे सॉक्रेटीज नाम के वो कभी भी आप उनसे क्वेश्चन पूछो तो वो आपको जवाब नहीं देते थे रादर वो आपसे एक और क्वेश्चन पूछते थे ताकि आप उसके बारे में और सोचो मतलब सोकर्रेटीज यूज़ टू टीच इन अ वे कि वो आपको आंसर तक लेके जाएंगे आंसर लेकिन आप ही को डिस्कवर करना है so more more so hmm. तो हिज फिलासफी वॉज आस्किंग मोर एंड मोर क्वेश्चन सो दैट यू रीच टू दी आंसर तो खान अकेडमी ने अभी चैट जी पी यूज़ करके लैंग्वेज uh, मॉडल्स को ऐसे ट्रेन किया है कि जब आप एक बच्चे हो और आप एक क्वेश्चन पूछते हो कि यार मुझे बताओ कि थर्टी इंटू थर्टी कितना होता है तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा ऐसे जैसे कि आप धीरे 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 स्टेप बाई स्टेप आप खुद ही थर्टी इंटू थर्टी निकाल लो Hmm. तो ये टाइप के मॉडल्स कैसे बनाने हैं यूजिंग चैट जीपीटी काइंड ऑफ सिस्टम्स दैट इज देन वॉट वी टीच इन द डेटा साइंस साइड ऑफ थिंग्स ओके दैट इज द प्रोग्राम ऑफ आर वर्किंग प्रोफेशनल्स गुड थिंग इज कि जो हमारे पास चार साल का प्रोग्राम है उसमें वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू डू अ लॉट मोर थिंग्स तो वो ऐसे स्ट्रक्चर है कि पहले डेढ़ साल जो है वो दे आर ऑन कोर स्किल्स कि जो फंडामेंटल्स जो बेसिक्स होने चाहिए वो एकदम सॉलिड है खुद से भी फिर आप सोच सकते हो फिर बीच में हम एक साल की इंटर्नशिप कराते हैं ताकि यू गो एंड एक्सपीरियंस थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड विथ कटिंग एज कंपनीज एंड फाइनल के जो अट्ठारह महीने दैट्स द स्पेशलाइजेशन एंड वहां पे वी टॉक अबाउट ए आई मशीन लर्निंग दैट गिवस अस अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड ए आई मशीन लर्निंग स्किल्स इन डेप्थ तो अभी हम चाहे जी बहुत पॉपुलर है बट देर आर टू और थ्री फील्ड्स इन इन ए आई एंड मशीन लर्निंग एक और जो फील्ड बहुत <laughs> इंपॉर्टेंट है वो है कंप्यूटर विजन की फील्ड क्या कंप्यूटर विजन विच इज़ की वैन यू सी अ फोटो और वैन यू सी वीडियोज़ आर यू एबल टू डिटेक्ट ऑब्स्टिकल्स इन इट फॉर एग्जाम्पल जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बन रही हैं अभी ओके वाह द वे दे वर्क इज़ कि उनके पास वीडियो फीड आती है ऑफ़ एवरी थिंग अराउंड यू एंड इफ दे आर एबल टू एक्यूरेटली डिटेक्ट कि देखो रोड ये है ऑब्स्टिकल ये है तो फिर वो सही स्पीड पे चलती हैं राइट टाइम पे ब्रेक लगाती हैं राइट टाइम पे लेन्स चेंज करती हैं

जो कि अभी थोड़ा कम चर्चा में है क्योंकि चैट जीपीटी ज़्यादा पॉपुलर हो गया चैट जीपीटी इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जी एन बोलते हैं उसको एन एल पी एंड कम्प्यूटिजन दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट फील्ड्स ऑफ ए आई एंड मशीन लर्निंग ओके मशीन लर्निंग इज लाइट डिफरेंट बट बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स ऑफ ए आई मुझे बोलो बोलो हाँ नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज, प्लीज. <laughs> मुझे दो रीजन के लिए hmm. ये वाला पॉडकास्ट बहुत अच्छा लग रहा है hmm. पहली वजह यह है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स मिले hmm. उस फेज में और जितने भी जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट्स आए हैं पॉडकास्ट पर हर किसी ने कहा है कि भारत को एक्चुअली बहुत ज्यादा स्किल्ड इंजीनियर्स की जरूरत है बिजनेसेस के लिए हुँ, हुँ, हुँ। भारत को एक्चुअली बिजनेसिस की जरूरत है ताकि हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करें प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करें पर उसके लिए इंजीनियर की जरूरत है बिल्कुल और दूसरा मेरे अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज का दुखी स्टूडेंट बैठा है उसे बहुत खुशी मिल रही है कि जो चीज़ें मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखी है सुनी है महसूस की है इट्स ऑल वर्थ इट नाउ मैं बहुत खुल के कहूंगा ठीक है इंजीनियरिंग uh, कॉलेज से जब मैं ग्रेजुएट हुआ मेरी एक मोटिवेशन थी कि मुझे खुद इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बर्बाद करना था <laughs> खुद के कॉलेज <college laughs> का नहीं खुद <laughs> का कॉलेज अच्छा है जनरली जिस तरह की इंजीनियरिंग सिखाई जाती है भारतीय इंजीनियर्स को आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आई आप भी <laughs> शायद अच्छे कॉलेज से हो बिट्स से हो ना मैं ट्रिपल आई टी हैदराबाद हाँ ट्रिपल आई <laughs> uh, तो कुछ कुछ कॉलेजेस अच्छे होते हैं भारत हुँ, हुँ, में मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कुछ नहीं होता भारत में बिल्कुल <laughs> और मैं एक बहुत नॉर्मल अबब एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ उस कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ दिया इंक्लूडिंग माई को फाउंडर्स ऑन मंकी विराट शेट आयुष तिवारी और इंक्लूडिंग अ लॉर्ड ऑफ माई ओन टीम एट मंकी एट बियो बाइसे पर बहुत कुछ झेला है कॉलेज में मतलब जब मैंने इंजीनियरिंग में शुरुआत की थी मुझे लगा कि यार मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा हूँ मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ चलो मैं जाकर अभी रोबोट्स बनाऊंगा या एटलीस्ट रोबोट्स के बारे में सीखूंगा या रॉकेट्स के बारे में सीखूंगा एक्साइटेड था और वो एक्साइटमेंट एक महीने के अंदर चली गई क्योंकि हमें जो सब्जेक्ट सिखाए जा रहे थे वो पचास साल पुराने सब्जेक्ट्स थे आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज थी और इंजीनियरिंग सिखाने के बदले हमें रटना सिखाया गया कि ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखो एग्जाम में और अगर एक भी वर्ड यहाँ से वहाँ हिला तो आपके मार्क्स गए ये कैसी इंजीनियरिंग है यार बेसिकली हमें मजदूरी सिखाई गई थी बहुत मेहनत करी और क्योंकि आपके आसपास के लोग सब होते हैं आपको फिर तुरंत पता चलता तल, है कि एक की तरह कैसे सोचते हैं आपकी हम थिंकिंग कैपेबिलिटीज आपका जुगाड़ आपकी मेहनत की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बट आप इंजीनियरिंग नहीं सीखते इंजीनियरिंग कॉलेज में और ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे को आई आई बिट्स या एक टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली है फिर दोबारा सोचो कि इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं हुँ. आप बताइए आपका पर्सपेक्टिव क्या है सॉरी मैं थोड़ा <laughs> पैशनेट हो गया क्योंकि बचपन का सपना I, पूरा हो जाए आई शेयर योर थॉट्स एंड मतलब एक्चुअली बताओ तो जो इवन टॉप कॉलेजेस हैं हमारे वो भी ऐसे नहीं है कि दूध के धुले हुए हैं मतलब वहाँ पे भी बड़े सारे गैप्स हैं दर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट तो आप जो हो बिल्कुल सही है लेकिन जो हमारे अच्छे कॉलेजेस हैं ना उनमें भी मतलब दूध के धुले नहीं है उधर भी बड़ी सारी दिक्कतें हैं बट दे आर बेटर ऑफ द लॉट जैसे मैं आपको एक एक करके जाता हूँ so, जो हमारे टीयर वन कॉलेजेस जो आपने बोला आई आई टीज़ बिट्स ट्रिपल आई टीज़ वहाँ पर भी अभी हमारा करिकुलम अप टू डेट नहीं है जैसे कि मैं तो एक ऐसे कॉलेज में था विच वॉज बिल्ड फॉर कंप्यूटर साइंस दे हैव प्रॉबली द बेस्ट करिकुलम इन द कंट्री एंड उसके बाद भी मैंने करीब uh, चार या पाँच कोर्सेज़ किए थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे थे दो कोर्स किए थे इलेक्ट्रिकल पे दो फिज़िक्स के कोर्सेज़ किए थे जिनका कि एक्चुअली कंप्यूटर साइंस से बहुत कम लेना देना है कुछ ओवरलैप hmm. है बहुत hmm. बहुत ही कम ओवरलैप है hmm. वही टाइम मैंने कुछ और चीज़ों पर स्पेंड करी होती था, था तो आई कुड हैव लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर साइंस हमारा कॉलेज फिर भी अच्छा है बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं इवन आई में जहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग कराते हैं सोल्डरिंग कराई जाती है पटरे कटवाए जाते हैं ऐसे हर्ड मैंटेलिटी हाँ हाँ कि मतलब भाई हर कोई है तो सालों से कराया जा रहा है इसके कोई फायदा नहीं है बिल्कुल आई होप कि जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं शेयर करो लोगों को सच पता होना चाहिए बताओ तो एक तो ये है राइट हावेवर ऑन दी अदर एक्सट्रीम तो ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि धंधा चला रहे हैं राइट दे दे डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ लर्निंग दर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ अर्निंग मनी बट यू शुड बी गिविंग बैक मोर इन वैल्यू जितना आप लेते हो उससे ज़्यादा आपको एजुकेशन में इम्पैक्ट करना चाहिए तो जैसे मतलब आ, मेरे पिताजी एक केस के बारे में बता रहे थे तो हमारे हम, मैं यूपी से आता हूँ हमारी जान पहचान में एक हैं जो कॉलेज चलाते हैं अगेन मैं उनका नाम नहीं ले सकता कॉलेज का नाम भी नहीं ले सकता लेकिन उनका तो ऐसा है कि बस पैसे के लिए चल रहा है आ, वो खुद ही फ़ोन कर कर करके लोगों को बोलते हैं कि मत आया करो क्लास <laughs> 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 क्या करो क्लास <एक> आके <laughs> काश, काश मेरे कॉलेज में होता नहीं आ, उनको कॉस्ट बचानी होती है तो काफी बार तो खुद ही जाते हैं जाके झाड़ू पोछा लगाते हैं वो अपने कॉलेज में ताकि स्टाफ कम रखना पड़े आ, तो वैसे कॉलेज में ऐसा होता है कि ठीक है आपको वो चार साल के एंड में एक पेपर मिल जाता है जिसको आप डिग्री बोलोगे क्योंकि किसी तरीके से आपने रोध हो एग्जाम्स क्लियर कर लिए लेकिन अब जो वहां से जो लोग निकले हैं उनका उनको आता कुछ नहीं है hmm. एक और कॉलेज है जो कि लखनऊ में ही है मैं उसका नाम नहीं ले सकता उनके यहाँ तो ट्रेंड ये है कि बैच ग्रेजुएट होता है उनको कुछ प्लेसमेंट दिखाना है तो वो कुछ लोगों को एज ए टीचर हायर कर लेते हैं hmm. पुराने टीचर को निकाल लेते हैं hmm. अब ना ही टीचर को आता है कुछ पढ़ाना <laughs> वो पान खाते हुए आता है क्लास लेने के लिए तो ना ही वो कुछ उसको खुद आता है ना ही वो किसी को कुछ पढ़ा पाता है तो वो एक ऐसी साइकिल है जो चलती जा रही है तो ऐसे कॉलेज भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे यहाँ क्योंकि बस चालू कर दिया है पैसा कमाने के लिए चालू कर दिया है hmm. तो कोई कोई आउटकम नहीं है एंड मतलब वाइल वी हैव गवर्निंग बॉडीज़ लाइक ए एंड यू इवन देन सम ऑफ समीज कॉलेजेस एग्जिस्ट तो मैं मेरे मम्मी को बहुत पूछता था कि यार क्यों डाला मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में मजदूरी सीखी और मजदूरी भी जरूरी होती है uh, उसके साथ साथ जुगाड़ सीखा यू नो प्रैक्टिकल टीम प्ले सीखी एट्सेट्रा तो फायदे मिले पर वो थोड़ा तो क्वेश्चन मार्क था कि मैं मैंने क्यों किया ये चार हुँ. साल के लिए uh, मतलब कुछ नहीं है मैंने रट्टा मारा और कुछ सीखा नहीं ना उस प्रोसेस में मतलब वो कल्चर बन जाता है जैसे एक मुझे याद है कि देर वॉज दिस एक साल जब हम लोग मैं अपने कॉलेज में छुट्टियों में आई हैड गॉन टू दिस अदर कॉलेज जहाँ पे हम लोग रुके थे जी. तो वहाँ पे तो एंड मतलब हॉस्टल में ऐसे कि मतलब भाई गॉसिपिंग चल रही है बात कर रहे हैं क्या चल रहा है लाइफ में एक्सेट्रा एट्ट्रा तो वहाँ पे जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वहाँ के लोगों का ये था कि एग्जाम क्लियर करना है हुँ. तो जो प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स मिलते थे वो मार्केट में बिकते थे oh. तो ये लोग हर सेमेस्टर जाते थे प्रोजेक्ट खरीदने hmm. तो प्रोजेक्ट बना बनाए हम खरीद के ले आएंगे वो हम सबमिट कर देंगे हमें ग्रेड मिल जाएगा hmm. इस टाइप का माइंड सेट था कि मतलब डूइंग दिस इज ओके hmm. क्योंकि फाइनली एग्जाम क्लियर करना है hmm. पता है जब मैं ये सब चीज़ें मम्मी को समझाने की कोशिश करता हूँ ना hmm. तो मेरी मम्मी एक ऑप्टिमिस्ट है पॉजिटिव थिंकिंग ओरिएंटेड लेडी है तो वो कहती है कि नहीं रणवीर पता है जब आप बाहर जाओगे ना किधर और कोई एडुकेटेड इंसान से मिलोगे और अगर आप उनसे कहोगे कि आप इंजीनियर हो तो एक रिस्पेक्ट वाली वाइब आ जाती है जो सच है ऑनिस्टली जो मैं तो कभी तो कभी तो यूज करता हूँ कुछ लोगों के साथ हिंदी पॉडकास्ट के पहले की सर नहीं, नहीं मैं एक इंजीनियर हूँ फिर हुँ। लोग ऐसे खुल जाते हैं अच्छा इंजीनियर हो हु। फिर मैं बात करता बहुत साथ ही हुआ है जब वो ऐसे रिएक्ट करते हैं ना अंदर ही अंदर मैं सोच रहा होता हूँ कि आपको पता नहीं मैंने कितनी पार्टी करी है इंजीनियरिंग में फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि मैं इंजीनियर हूं <laughs> और आप <आँगा laughs> मान रहे हो कि मैं स्मार्ट हूं उस वजह से तो चलो नो प्रॉब्लम सो वन थिंग आई विल गिव टू इंजीनियरिंग इज मैं सही बताऊँ तो मुझे लगता है कि हॉस्टल लाइफ जो होती है ना जी वो चार साल की जी हर किसी को एक्सपीरियंस करनी चाहिए बिकॉज उस टाइम पे आपके बेस्ट रिलेशनशिप्स बनते बन आप मजबूत भी हो जाए मजबूत भी हो जाते हो राइटिंग होती है फर्स्ट ईयर में उसके बाद समझ में आता है कि क्या क्या लाइफ में

बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर भी वहां थे जिन्होंने सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब इसलिए लिया क्योंकि और कहीं उन्हें जॉब नहीं मिला सो हु, so, वो बहुत खुन्नस के साथ पढ़ाई करवाते थे बहुत खुन्नस के साथ लाइफ जीते थे और बहुत परेशान करते थे कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मतलब आप चाहे आप पढ़ाई में अच्छे भी हो तभी आपको अगर उन्हें आप पसंद नहीं करोगे ही विल मेक योर लाइफ हेल्थ और ये सब भी हुआ है अब बहुत अच्छा लगता है जब मैं कॉलेज वापस जाता हूँ ना तो बोलता ओ तावड़े सर कैसे हो <laughs> कि तावड़े सर ने बहुत परेशान किया मुझे मेरे दोस्तों को <laughs> <laughs> तावड़े सर आप जो राहुल तावड़े सर ये देखते होंगे पर आई थिंक इट्स टाइम नाउ कि मैं आपका थोड़ा सा पोल खोलूं लव यू सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हंस रहा है <laughs> so, मेरे पास बड़े सारे किस्से हैं <laughs> <laughs> तावड़े सर हमें एक uh, बहुत रैंडम सब्जेक्ट सिखाते मुझे याद भी नहीं वो सब्जेक्ट का नाम क्या था ठीक रेडा रेडार टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ था uh, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ तो मैंने uh, हर दिन उनके क्लास में बैठ कर बहुत किया कि हाँ मैं अटेंशन <laughs> पे कर रहा हूँ पर मैं एक्चुअली ये सोच रहा होता था कि मैं अभी इसके बाद क्या करूंगा कहाँ जाऊँगा अभी मतलब जिम में क्या करूँगा ऐसे सब थॉट्स होते हैं ठीक है Uh, तो तावड़े सर तावड़ेसर फेमस फॉर बींग वेरी स्ट्रिक्ट और जब वाइवा का टाइम आ गया हर इंजीनियरिंग के सेमेस्टर के एंड में एक वाइवा आता है जहां आपका ओरल एग्जाम लिया जाता है जहां आपको सवाल पूछे जाते हैं और आपको ओरली आंसर देना पड़ता है कि रेडार का मतलब ये होता है एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है पर कुछ कुछ वाइवा प्रोफेसर बहुत इंटेंस होते हैं मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कांड मारने के लिए आपका वाइवा लेते हैं तो तावड़े सर बिल्कुल वैसे थे और हमें पता था क्योंकि हमारे सीनियर्स ने हमें बोला था कि यार तावड़े सर आपका वाइवा ले थोड़ा ध्यान से तो एज 18 पर मेरी एक सर्जरी हो चुकी थी जिसकी वजह से मेरे पास एक स्लिंग था शोल्डर स्लिंग ठीक है अच्छा। अगर मैं वो शोल्डर स्लिंग पहन लेता हूं तो आ, लोग मुझ पर बहुत ऐसे आ, पिटी करते हैं उन्हें लगता है कि यार इसे चोट लग गई तो क्योंकि मैंने वाइवा के लिए प्रिपेयर नहीं किया था <laughs> <laughs> मैंने वो तीन साल पुरानी शोल्डर स्लिंग पहन <laughs> और शोल्डर स्लिंग के साथ वाइवा के लिए गया और मेरे एक दोस्त ने किसी रिश्तेदार से एक मेडिकल लेटर लिखा कि बुखार हो गया है ये ओ, वो होवड़े <laughs> सर ने बहुत जल्दी से ये फिगर कर लिया कि ये रैंडम स्टूडेंट्स जो एक्टिंग करते क्लास में एक्चुअली एस्केप कर रहे हैं मेरा वाइवा जब उन्हें ये पता चला ठीक है हमारा वाइवा था आठ बजे मंडे को उन्होंने बोला नहीं अभी अ, दिन के एंड तक आप रहो और इसके तीन दिन बाद हमारे थियोरेटिकल एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज में ना कोई भी सिर्फ एग्जाम के दो दिन पहले पढ़ता है मतलब आने वाले दो दिन में हमें पूरे एग्जाम्स के लिए पढ़ना था और वो ये जानते थे आठ बजे हमारा वाइवा था जब उन्हें पता चला कि हम ये बक्की कर रहे हैं तब बोला कि नहीं अभी शाम को छ बजे आ जाओ तो पूरे दिन हम रुके स्टडीड ठीक है छह बजे बोला कल आ जाओ अगले दिन आना पड़ा अगले दिन सात बजे बोला छह बजे तक रुका फिर बोला अगले दिन आ जाओ तीन दिन ऐसे आने को कहा एंड में मतलब वो तीसरे दिन को उन्होंने एक छोटा ले लिया हमें जाने दिया ठीक है बट वी बेसिकली गॉट हाफ अ अ डे टू स्टडी फॉर एग्जाम और ये जानते थे कि ये क्या कर रहे थे जस्ट हमारी लाइफ मुश्किल कर रहे थे उंगली <laughs> सिर्फ उंगली के लिए इतना ज्यादा परेशान किया और बहुत सारे किस्से होते हैं ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसलिए आप मजबूत हो जाते हो बहुत कुछ देखा है इंजीनियरिंग इंजीनियर क्रिएटिव भी हो जाते हो you, you uh, मेरे पास भी एक ऐसा किस्सा है मतलब uh, हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे मैं उनका नाम नहीं ले सकता लेट्स कॉल हिम रामू ओके फॉर नाउ तो सेम uh, हमारे कॉलेज में भी यह था कि आपको क्रेडिट्स कंप्लीट करना है ताकि आपकी डिग्री हो जाए जी तो एक पूरे कॉलेज में सबको पता था एक वेरी इजी वे टू अर्न सम क्रेडिट्स इज कि आप रामू से जाओ प्रोजेक्ट ले लो प्रो एंड हर कोई एक ही प्रोजेक्ट सबमिट करता था एक गूगल चैट टाइप का एक चैट एप्लीकेशन बना के लोग सबमिट कर देते थे और हर ईयर ओवर ईयर ये, ये होता था कि वो एक सीनियर का एक बनाया हुआ प्रोजेक्ट है उसका <laughs> फर्स्ट पेज चेंज होता है अपना पेज लगाया जाता है एंड वही प्रोजेक्ट एज इट इज सबमिट हो जाता है <laughs> तो आ, किसी ने कहा कंप्लेन कर दी कि देखिए लोग आपको मिसट्रीट कर रहे हैं <laughs> आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं आप आपको वही प्रोजेक्ट बार बार सबमिट किया था उस पर ग्रेड दिए जा रहे हो तो रामू ने बोल दिया कि ठीक है इस बार मैं नहीं दूंगा पर ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट तो हमारा एक बैच मेट था उनके पास गया वो बोलता है सर देखिए मैं बनाऊंगा तो गूगल चैट लेकिन मैं एक स्मार्ट गूगल चैट बना के दूंगा वो आपसे बात करेगा उन्होंने तो बोला यार ये सही चीज़ है मतलब तब के ज़माने में आप चैट जी बना रहे हो तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ बना दो उसने पूरे सेमेस्टर पर कुछ नहीं किया लास्ट दिन जब प्रेजेंटेशन पर आया तो उसने वही सेम चैट जी वाला प्रोजेक्ट लिया सॉरी गूगल चैट वाला प्रोजेक्ट लिया अपने रूममेट को बैठाया लैब में ऑन वन साइड एंड फिर वो जाके उनको दिखा था सर देखो एकदम स्मार्ट गुल <laughs> चैट बना लिया मैंने <laughs>

उसी की वजह से टी आर <laughs> सच में यही जुगाड़ की वजह से ये वाला करियर बना तो थैंक गॉड फॉर इंजीनियरिंग yes. पर इन सेइंग दैट भारत को सच में आप जैसे लोगों की जरूरत है मतलब देखिए मैं तो वेरी स्मॉल इन द होल पीस ऑफ पजल मतलब हम होप यही करते हैं कि जो हम ये चीज़ें कर रहे हैं विद स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एसेट्रा दे आई मीन इफ दे आर सक्सेसफुल दे बिकम दिस टेम्पलेट जिसको बाकी लोग भी फॉलो कर पाए hmm. कि ये टेनेट्स हैं ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इनको अगर आप फॉलो करोगे तो सही रियल मायने में आप एजुकेशन टेक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो टू एंड ऑडियंस ओके एक और सवाल पूछना चाहूँगा जब आप अमेरिका गए पहले इंजीनियरिंग hmm. कॉलेज के बाद hmm. Uh, तब एडुकेशन वाइज क्या जाना आपने बिकॉज आई एम श्योर कि वहाँ की एडुकेशन के प्रोसेस अलग होते हैं हुँ, हुँ. अलग कैसे होते हैं कि बहुत डरावनी कहानियाँ सुनाए सुनने में आती है कि यार वहाँ के स्टूडेंट्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है एटसेट्रा प्लस यहाँ हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सब सिखाया जा रहा है हुँ, हुँ. कि प्रोफेसर्स को कैसे हल्के से कौन करे ये वो हुँ, हुँ. और वहाँ आप जा रहे हो वहाँ के प्रोफेसर्स को आप कौन नहीं कर सकते बिल्कुल तो वहाँ की पढ़ाई कैसे होती है आई थिंक uh, जो मुझे एक गैप दिखता है ना वन आई कम्पेयर लेट्स ए इंडियन स्टूडेंट विद यू एस स्टूडेंट तो वो होता है कि जो मैंने चीज़ें सीखी हैं उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई कैसे करना है हाउ इज़ दैट लेट्स ए वेपन फॉर मी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स वो इंडिया में मोस्ट स्टूडेंट्स को नहीं पता है बिजनेस ओरिएंटेड थिंकिंग होती है ये हाँ मतलब बिजनेस ओरिएंटेड थिंकिंग हो गई या फिर इवन लाइक like, टेक ओरिएंटेड भी कि लोग क्योंकि पढ़ाई करते हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए तो हमारे पास बड़े सारे सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर साइंस में लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क डेटा क्या होता है कि लोग इतना पढ़ाई करते हैं कि इस सेमेस्टर में ये एग्जाम क्लियर हो जाए अगला सेमेस्टर का दूसरा दिन आया भूल गया मैं hmm. किसी को नहीं याद है बाय द नेक्स्ट सेमेस्टर क्या पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर एंड hmm. uh, उसे होता क्या है कि अगर आप सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर तो आपने मतलब ये जो एक आपके लिए एक वेपन हो सकता था जिसको यूज़ करके आप टेक में एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे वो तो आप सीखे ही नहीं uh, जबकि वहीं पे कंप्यूटर साइंस इन यूएस इन मोस्ट गुड कॉलेजेस इज़ सीन एज अ वे ऑफ लर्निंग लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि यार मैं फेल हो जाऊँगा बट उनको फ़र्क ये पड़ता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इज़ दैट इंटरेस्टिंग टू मी तो आप देखोगे जैसे एक स्ट्रक्चर जो मोस्ट यू एस कॉलेज में यू हैव गिवन लॉड ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी टू चूज कि कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम करना चाहते हो तुम वही पिक करो जो जिसमें तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन देन फिर उसके एसेंस को समझो और उसको अप्लाई करो डैट द फिलोसफी इन मोस्ट ऑफ दीज कॉलेजिंग आई एम टॉकिंग अबाउट वीली कॉलेज वहाँ पर भी कुछ बेकार कॉलेजे हैं uh, तो वो चीज़ बच्चों में जगा पाना ना कि देखो आपको इसमें इंटरेस्ट आता है इसलिए सीखो इस तरीके से कि आप उसको अप्लाई कर पाओ वो मिसिंग होता है इन अ लॉट ऑफ केसेस मतलब मैं अपने करियर में भी मैं ऐसे देखूं कि आई वाज एन ऑर्डर वन आउट बिकॉज एक तरीके से मैं रिबल करके आई यूज टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स एंड प्रोबेबली टेन परसेंट ऑफ माई लर्निंग केम फ्रॉम करिकुलम नाइन्टी परसेंट उसके बाहर से आई थी बाई दर आई मई ग्रेजुएटेड अब अंडर ग्रैड की बात कर अंडर ग्रैड में हाँ मतलब भारत में भारत में हाँ ओके okay. मतलब मैं मैं थोड़ा सा Uh, हमारी एक टीम थी हम लोग बाहर से पढ़ाई कर करके हम कुछ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते थे तो यूट्यूब से यूट्यूब से हम उस टाइम पर तो यूट्यूब में भी नहीं था तो कुछ वेबसाइट्स थी जिन पर ब्लॉग्स हुआ करते थे कुछ बुक्स थी जिसमें आर्टिकल्स हुआ करते थे विकीपीडिया पर कुछ आर्टिकल हुआ करते थे सेल्फ एडुकेशन हाँ तो उससे पढ़ पढ़ के सीख गए और सीख के फिर जब आप कंपीट करते हो तो आपको दिखता है कि आप कितने दूर हो तो हम लोग उस टाइम पे चाइनीज रशियंस इनसे कम्पीट करते थे तो समझ में आता था कि हम तो बहुत पीछे हैं hmm. तो फिर हम और पढ़ते थे और पढ़ते थे तो एक कॉम्पिटिशन होता है आईसी करके तो आ, उसमें हमारी टीम दो बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने वर्ल्ड फाइनल्स में गई थी आईसी इज लाइक दी ओलंपिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग तो वहीं से हमें रिक्रूट कर लिया गया था तीनों लोग को इन गूगल एंड फेसबुक तीनों ने ही गूगल नहीं गए तीनों लोग फेसबुक चले गए hmm. तो दैट वॉज अर स्टोरी बट लेकिन उसके बाद भी जब हम फर्स्ट ईयर वहाँ गए तो एटलीस्ट मेरे केस में तो ये था कि मुझे समझ में आया कि दे आर सो मेनी थिंग्स बिच वैन यू अप्लाई टू अ कंपनी एंड वैन यू अप्लाई टू अ बिजनेस जो मुझे नहीं आती हैं तो थोड़ा फाइट मार के फर्स्ट ईयर में सीख गए ऑन द जॉब ही सही लेकिन सीख गए कैसे सीखते हैं बात करके बात से? करके आ, उसके बारे में पढ़ के मतलब मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे जो मैनेजर्स वगैरह थे बड़े हेल्पफुल एंड okay. एक तरीके से इंडियन थे वो भी तो उनको थोड़ा समझ में आता था कि वो भी इसी बैकग्राउंड से हैं तो वो हेल्प करते थे <laughs> <laughs> स महसूस होता है ये बेचारा ब्राउन लड़का आ, ओके बहुत रॉ सवाल है पर फिर भी पूछूं बेसिकली वहां जब आपको गूगल में जॉब मिल जाता है फेसबुक में जॉब मिल जाता है कितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और क्या ये सारे बड़े कंपनीज बहुत टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी भी डिवेलप कर रही है जो सुनने में आएगी करते हैं ये लोग कहा जाता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी पहले मिलिट्रीज डेवलप करती है और वो नई टेक्नोलॉजी डेवलप होने के तुरंत बाद फिर बिग टेक गूगल फेसबुक जैसी कंपनीज उन्हें ज्यादा बेहतर बना दिया ये सच है अंशुमन जी कुछ हद तक तो मतलब वो मिलिट्रीज वाला जो आ, आपका एनॉलॉजी है ना वो बिल्कुल सही है टिल द वर्ल्ड वॉर एंड सम इयर्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉर क्योंकि तब एग्जिस्टेंस की बात थी कोल्ड वॉर चल रहा था वर्ल्ड वॉर चल रहा था एग्जिस्टेंस की बात थी यू हैड टू इनोवेट ने इनोवेट करना लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि बहुत सारा इनोवेशन बिग टेक में ही हो रहा है इन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस जैसे कि ये गूगल बार्ड शायद गूगल के पास पाँच साल छः साल से ऑलरेडी था बहुत पहले से था इनफैक्ट जब मैं वहाँ पे था दिस इज टू थाउजेंड इलेवन उनके पास तभी सेल्फ ड्राइविंग कार थी वो एक फ्री मतलब एक्चुअली हाईवे था वहाँ पे तो गूगल के ऑफिस से वो उस हाईवे पे उनकी वो दो तीन कार चलती हुई हमेशा दिख जाती थी वो टोयोटा का एक मॉडल आता था प्रियस Hmm. उसके ऊपर उनका एक कैमरा लगा होता था कोई अंदर ड्राइवर नहीं बैठा है वो खुद ही कार चले जा रही है वो हाईवे पे एक मार के वापस ऑफिस ये ये साल साल पहले की बात है। ये 2011, सो साल पहले की की बात बात है है सो ओके बहुत लोगों को पता नहीं बट फेसबुक में उस टाइम पे एक डिविजन हुआ करता था जिसमें फेसबुक खुद का एक मोबाइल फोन बना रहा था आ, तब उनको फेसबुक समझ में आया कि हमारा मोबाइल फोन बनाना हमारे बस की बात नहीं है क्यों बिकॉज अलग टाइप की इंजीनियरिंग चाहिए आपको हार्डवेयर इंजीनियरिंग चाहिए टू मेक अ वेरी Uh, तो उन्होंने किया यह था कि एंड्रॉइड का एक वर्जन लेके उसके ऊपर वो फेसबुक का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे okay. example, आता था तो किसी नंबर से भी आ रहा था तो वो उसमें लिख के आता था फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कॉल कर रहा है आपको दिस पर्सन इज कनेक्टेड टू दिस पीपल जो आपको कॉल कर रहा है लेकिन मतलब वो खैर चला नहीं लेकिन इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं इनफैक्ट फेसबुक ने एक आ, एक लैब बनाया था जिसमें हर एम्प्लॉई के पास ये फ्रीडम थी कि आप जाके एक नया आइडिया पिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हो विद अ टीम इफ़ इट इज़ अप्रूव्ड एंड हम उसके लॉन्च के बाद देखेंगे उसको ट्रैक्शन कैसा मिल रहा है अगर बहुत लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उसको फुल फ्लेजेड एक प्रोडक्ट बना देंगे आप उस टीम के हेड बन जाओगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा राइट तो फेसबुक ने बड़े सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट प्रोडक्ट भी बनाए हैं जो कि हो सकता है कि अभी पता नहीं है लोगों को तो इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी होती रहती हैं इन पैरल बिकॉज एक जितनी बिग टेक कंपनीज हैं ना इनके पास बहुत सारा फ्री फ्लोइंग कैश है पर पता भी नहीं कि इन सारे हाँ। पैसों के साथ करें क्या? क्या है हाँ बिकॉज बहुत हाई मार्जिन बिजनेसेस है मतलब इन सबके प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का प्रॉफिट इफ आई एम नॉट रॉन्ग वेरीफाई बट कुछ थर्टी फोर्टी बिलियन के आसपास होता है पर ईयर पर ईयर बिलियन का प्रॉफिट प्रॉफिट है डॉलर एप्पल uh, के पास मोर देन बिलियन इन फ्री फ्लोइंग कैश पड़ा <laughs> तो स्क्रूज मैकडक पता है आपको तैरता तो था, वो वो कूद, था, था गोल्ड में वो करना चाहिए मागजा कब को <laughs> अब क्यों कर रहे है काम क्या करते हैं मांगजाग <laughs> अब हाँ. आज के जमाने में एक दिन में क्या होता है उनके लाइफ में ये सारे जो मतलब मेरा बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन रहा है विद मोस्ट ऑफ दी टेक लीडर्स आ, लेकिन मुझे जो समझ में आता है बड़े पैरानोइ लोग हैं डरे हुए हैं डर लगता है कब क्या हो जाएगा पर आ, तीस चालीस बिलियन का प्रॉफिट आ रहा है आ रहा है हाँ हाँ हा, हा, फिर भी डर है फिर भी डरा हुआ है कि ये तीस बिलियन अगर बीस बिलियन बन जाए तो क्या होगा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा एंड uh, उनका मैं डर बताता हूँ उनके जो रैशनल होता है वो क्या होता है कि आज की डेट में बिकॉज वी आर एबल टू जनरेट दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इनेबल्स मी टू गेट अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ टीम क्योंकि मेरे साथ लोग आके काम करना चाहते हैं मेरे पास पैसा है कि मैं उनको अच्छी सैलरी पे कर पाऊँ एंड दैट विल हेल्प मी बिल्ड थिंग्स फॉर द फ्यूचर विच आर वेरी फ्यूचरिस्टिक मेरे पास बेस्ट क्वालिटी ऑफ टैलेंट आ था रहा है अगर मैं नीचे जाऊँगा मैं थोड़ा भी डाउनवर्ड स्पैरल पर गया तो माई अबिलिटी टू अट्रैक्ट वेरी गुड क्वालिटी ऑफ टैलेंट वो रिड्यूस हो जाती है तो यू अर्न अलाउट ऑफ प्रॉफिट नॉट बिकॉज क्या मेरे जेब में जाएगा मैं उससे कुछ मैं एक और यॉट खरीद लूँगा मैं एक और एयरप्लेन खरीद लूँगा ये कर लूँगा वो कर लूँगा वो आई थिंक ये सारे लोग उस पॉइंट के बियॉन्ड हैं इनके पास ऑलरेडी जो, जो जो आप पैसे से अफोर्ड कर सकते हो वो सब हैं उनके पास देश खरीद सकते हैं देश खरीद सकते हैं एक्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब एप्पल का जो एनुअल टर्न ओवर है दैट इज प्रॉबली मोर देन जी डी पी ऑफ अलाट ऑफ कंट्रीज इन दर्ल्ड लेकिन इनको डर वो लगा रहता है कि अगर हम थोड़े कम हुए तो हम जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें बना सकते हैं वो बनाने की कैपेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी बिकॉज लोग हमें ज्वाइन नहीं करेंगे और लोग हमारे साथ काम नहीं करेंगे दे विल वॉन्ट टू गो विद द बेस्ट कंपनी देर पैरानोया है इनके अंदर थोड़ा बहुत ओके okay. कौन सी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है जितने भी है सब पर काम हो रहा है हाँ वर्चुअल रियालिटी ऑगमेंटेड रियालिटी एन एल पी ए आई लैब्स बेसिकली हर हर कंपनी के अंदर एक ए आई लैब है विच इज़ वर्किंग ऑन क्रिएटिंग बेटर मशीन लर्निंग मॉडल्स बेटर ए आई मॉडल्स चैट जी पी टी फॉर एग्जाम्पल हर कंपनी अपना एक एक चैट जी पी टी टाइप का बना रही है फॉर एग्जाम्पल ये तो मैं आपको टू थाउजेंड फोर्टीन की बात बता रहा हूँ टू थाउजेंड फोर्टीन में फेसबुक वॉज़ क्रिएटिंग अ बुक समराइज़र एक मशीन जो कि बुक खुद से पढ़ लेगी और आपको समरी में कुछ कुछ चीज़ें बता देगी आप उसको जैसा बोलोगे कि थोड़ा और इसको एलेबोरेट करो या इस पार्ट को थोड़ा और समराइज़ कर दो बिल्कुल आपके हिसाब से वो आपको बुक समझाएगी ये तब बना था जैसे नाइन ईयर्स बैक तो एवरी ईच ऑफ दीज कंपनीज़ हैव एन ए आई लैब दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर विजन लैब दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लैब ईच ऑफ देम हैव अगमेंटेड रियलिटी लैब ईच ऑफ देम है वी आर विच इज़ वर्चुअल रियलिटी लैब ओके जो आपने कहा ना कि आपको टाइम लगा एप्लीकेशन साइड समझने में हुँ. कि टेक्नोलॉजी को अप्लाई कैसे करते हैं अब इन सारे टेक्नोलॉजीज को थोड़ा ब्लैक मेरर स्टाइल एप्लीकेशन वाइज ब्रेक डाउन कीजिए वर्चुअल रियलिटी से क्या निकल के आएगा ए से क्या निकल के आएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा राइट right. तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से तो चार्ट जीपी टाइप की चीज़ निकल के आएगी इनफैक्ट उसके कुछ एप्लीकेशन आप अभी देख रहे हो एलेक्सा जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन का आता है आप उसको बोलते हो कि ये वाला गाना बजाओ जी या फिर इस जॉनर का गाना बजाओ ये कर दो मेरे लिए ये आइटम ऑर्डर कर दो अलेक्सा समझ जाता है एंड वो कर भी देता है आपके शब्दों को हाँ शब्द मशीन को, समझती है हाँ शब्दों को वो ट्रांसलेट कर लेता है टू वॉट यू वॉन्ट टू डू ओके जैसे कि एक बच्चा भाषा जब सीखता है हिंदी सीख रहा है या इंग्लिश सीख रहा है तो पहले धीरे धीरे आप वर्ड सीखते हो फिर वो जब वर्ड साथ में बोले जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है वो सीखते हो दैट इज़ एन जैसे कि अभी सिर्फ एलेक्सा ही एग्जाम्पल है पर कल जाके आप जब घर जाओगे आपके पास कोई ए आई सॉफ्टवेयर रहेगा जहाँ आप कहोगे अच्छा अभी लाइट ऑफ कर दो खाना बनाओ ये सब तो अलग अलग चीज़ें समझ कर आ पाएगा और कर पाएगा ये सब पुट टुगेदर हो के आपके पास फाइनल रोबोट्स बनेंगे जी जैसे एक और चीज़ जो होने वाली है वो ये कि अभी हमारे पास जो मैं आपको बोला था ना कि यूएस में हाउस हेल्प इज वेरी एक्सपेंसिव मैं एक ह्यूमन बींग को एज अ हाउस हेल्प नहीं हायर कर सकता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मूवीज में भी अभी दिखाते हैं साई फाई मूवीज में कि आप हर घर में एक रोबोट है जो आपका सारा काम करता है आप उसको बोलते हो जहाँ मेरे कपड़े धो दो, दो वो कपड़े धो देता है आप उसको बोलते हो खाना बना दो खाना बना देता है आप उसको बोलते हो कि यार मुझे ये सामान खरीद के ले आओ वो सामान खरीद के ले आता है ये रियलिटी कितनी दूर है देखिए जो इसके पार्ट्स हैं वो तो मोस्टली रेडी हो चुके हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक रोबोट जो कि स्टेबल है धक्का मारने पे ख़ुद को रिकवर कर लेता है एक कंपनी है बॉस्टन डायनेमिक्स करके आ, Like abh मार दे 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 तो लेकिन <laughs> मारेगा <laughs> उठा के फेंक दो तो भी वो धीरे से खड़ा होगा वापस आ जाएगा बी डी एस एम रोबोट सॉरी ये तो कहना ही था एनी वे कंटिन्यू सर तो एक पार्ट आपका वो हो गया राइट दैट इज पार्ट वन पार्ट टू आपको चाहिए कि रोबोट को आप बोल पा रहे हो और रोबोट आपकी बात समझ जाता है एलेक्सा में ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गया है एन एल पी मतलब चैट जी इज इज दैट राइट कि आप जो बोल रहे हो वो समझ पाता है तीसरा होता है कि विजन कि मैं चीजों को देख पाता हूँ इंटरप्रेट कर पाता हूँ और फिर मैं उसके बेसिस पे एक्शन ले पाता हूँ वो भी ऑलरेडी हो रहा है <laughs> तो कॉम्पनीज तो सारे एग्जिस्ट करते हैं इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम एंड ऑल ऑफ दिस विल कम टुगेदर एंड कल को एक अनाउंसमेंट आएगा कि वी आर लॉन्चिंग अ न्यू रोबोट जो आप अपने घर में हायर करके लगा सकते हो कितना महंगा होगा गाड़ी जितना तो होगा वो तो पता देखिए होता क्या ना टेक्नोलॉजी में यूजुअली कोई भी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तब वो बहुत एक्सपेंसिव होती है क्यों क्योंकि वो आ, एक इंसान के लिए बन रही है कुछ लोगों के लिए बन रही है जब वो मास में प्रोड्यूस होने लगती है तो द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस जैसे जब स्मार्टफोन आया था तब आईफोन हुआ करता था आईफोन का शुरुआत में कॉस्ट कुछ आठ सौ नौ था जो कि चौंसठ हज़ार हो गया रेट आज के डेट में भी स्मार्टफोन आते हैं सस्ते स्मार्टफोन भी आते हैं आपको आई थिंक चार पाँच हज़ार में आजकल स्मार्टफोन आ जाता है एक mm -hmm -hmm. तो चार पाँच हज़ार में भी स्मार्टफोन आने लगता है तो टेक्नोलॉजी एज उसका वाइड स्प्रेड यूज होता है कुछ लोग फिगर आउट कर लेते हैं उसको और कैसे एफिशिएंट बनाना है फिर वो धीरे धीरे अफोर्डेबल हो जाती है टेक्नोलॉजी का काम ही यही है कि जो आपको आज की डेट में दिखता है कि द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट अंबानी कैन लिव द काइंड ऑफ थिंग्स दैट अंबानी हैज एक्सेस टू अंबानी द वे आई एम टेकिंग अ नेम जस्ट टू

खेती होती है उनका जैसे इंडिया में तो कहते हैं बहुत बड़े सारे छोटे छोटे खेत होते हैं ना क्योंकि सबकी ओनरशिप है आ, प्लस मेरे दो बच्चे होंगे तो फिर उनके बीच में और बढ़ जाएगा तो आधा आधा हो गया खेत वहाँ पर क्या होता है कि, कि फार्म्स को क्यूमुलेट करके बहुत बड़ा फार्म है हेक्टेयर्स फ्यू हंड्रेड हेक्टेयर्स टाइप के बड़े बड़े फार्म्स हैं एंड दे आर कम्प्लीटली मशीन ऑपरेटेड जो उसमें पहले उसको जोतना होता है वो भी एक मशीन कर रही है फिर उसमें सीड डालने होते हैं वो भी मशीन कर रही है Uh, एक ड्रोन है जो कि पिक्चर्स ले रहा है तो सीखे भाई कहीं कीड़े तो नहीं लग गए हैं जब जहाँ जहाँ डिटेक्ट होता है वहाँ वहाँ पे एक मशीन जाती है वो पेस्टिसाइड छिड़क के वापस आ जाती है इवन इरिगेशन uh, की इस टाइम पे नमी जो क्रॉप्स में वो इस लेवल पे है तो यहाँ पे इरिगेशन की जरूरत है तो वो इरिगेशन कर देती है हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी मशीन जाके पूरा हार्वेस्ट कर लेती है दे हैव ऑटोमेटेड द एंटायर एग्रीकल्चर टू अ लार्ज एक्सटेंट भारत में शायद दस सालों में हो जाएगा हाँ मतलब भारत में मतलब वो उतना नीड भी नहीं है ना कि इतने सारे लोग हैं <laughs> तो ठीक mm. है मशीन नहीं भी है हम कर लेते हैं mm. पर कोई तो ऐसा इंडस्ट्रियर्स होगा जो हेक्टेयर साथ में खरीदेगा खरी मा, मास फार्मिंग करेगा वो द कैंडिडेट्स फॉर दैट आर रिलायंस एंड टाटा क्योंकि होपफुली दे आर द वंस उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोड्यूस राइट टाटा ने फॉर एग्जांपल बिग बास्केट भी खरीद लिया आपकी तो. जी, जी, जी. तो जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन ओन करते हैं डिमांड की पावर है, they can predict the demand कि मुझे इस टाइम पे इतने टमाटर चाहिए होते हैं तो फिर ऐसे खेती करेंगे इस एरिया में करेंगे इतना लैंड चाहिए एंड उससे फिर देबल टू तो कंट्रोल थिंग्स एन टू एंड शायद ऐसे ही सोच रहे हो और इसलिए शायद बिग बास्केट खरीदा है हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आई एम श्योर दस साल पहले किसी ने टाटा ग्रुप को बोला होगा कि यार यहाँ मशीन ओरिएंटेड फार्मिंग हो रही है खरीद लो ताकि आप ये कर सके लव अबाउट पॉडकास्ट बट और बाकी के टेक्नोलॉजीज़ जो आप ब्रेकडाउन कर रहे थे वी आर से क्या होगा वी आर की बात हो गई वैसे हमारा गेमिंग right. right. वो सब चीज आर इवेंचुअल एक दूसरी दुनिया है जिसमें लोग रहते हैं वहीं खरीदारी करते हैं वहां पे वो एवरी थिंग रोमांस लाइफ देयर लाइफ एवरी थिंग यहाँ पे लाइफ कितनी भी बुरी हो जी बट वहां पर अच्छी हो गई मुझे उससे हैप्पीनेस मिलती है मेटावर्स hmm. में किसी ने एक मेटावर्स के मायामी में एक बहुत बड़ा विला खरीदा है फॉर अ मिलियन डॉलर स्नूपडॉग स्नूप स्नूपडॉग स्नूप डॉग ने खरीदा है hmm. तो उस टाइप की चीजें स्टार्ट हो जाएंगी ऑगमेंटेड रियलिटी का मैंने आपको बताया कि वो आप चश्मा लगा लोगे उससे बड़ी सारी चीज़ें जैसे जो मुझे फर्नीचर ख़रीदना है या फिर मुझे कपड़े ट्राई आउट करने हैं या फिर मुझे डिज़ाइन बिल्ड करने हैं वो सब मैं मतलब वी के ऊपर एफिशेंटली कर पा रहा हूँ मुझे आपसे मान लीजिए डिस्कस करना है हम लोग जैसे डिस्कस करें यार हमें एक फ्लैट ख़रीदना चाहिए क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए मैं बताऊँगा देखो रूम यहाँ रखेंगे ये यहाँ यहाँ पर एक हॉल हो जाएगा ये इतना बड़ा कर लेते हैं इसको आप बोलोगे नहीं 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 इतना बड़ा नहीं करना है इसको छोटा कर लेते हैं

आप बोलोगे ऑगमेंटेड रियालिटी वी आर अम, और ये जो दो चीजें अपनी कंप्यूटर विशन एन एल पी इसके अलावा क्या होगा प्रिडिक्टिडिक नहीं कर सकता रोबोट फॉर एग्जाम्पल रियल रियालिटी बट और क्या होगा वी डोंट नो ओके लाइफ में मेरा एक ही गोल है कि मैं एक दिन एक रोबोट बनाऊँ जो रजनीकांत की तरह देखे जस्ट जस्ट टू से दैट बट देखेगा भाई यही था आज का पॉडकास्ट थैंक यू कि आप आ, लौट कर वापस आ गए भारत भारत को आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वन एम मेट थ्रू द शो हर कोई रिवर्स ब्रेन ड्रेन को बहुत हाईलाइट कर रहा है स्पेशली टेकीज की रिवर्स ब्रेन ड्रेन क्योंकि आप लोग जेन्यूनली इंडिया के एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ा सकते हो देश को बहुत ज़्यादा अमीर बना सकते हो और दुनिया भर के माहौल को अगर स्टडी किया जाए तो आज के ज़माने में भारत को और भी ज़्यादा पैसा चाहिए दट्स द ट्रूथ वी नीड टू बिकम रिच सो so, आप जो भी अपने लाइफ में करो एक्चुअली भारत के लिए करो एंड ओवरऑल आप खुद को जेरोक्स कॉपी करके और ज्यादा अंशुमन सिंग्स बना रहे मोर हाई क्वालिटी टेकिजीव द मोर एपीटाइट फॉर रिस्क दर वी हैव द बेटर वी विल गेट एट एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम फ्रॉम इंडिया ये मेरे लिए एक बहुत भारत ओरिएंटेड एपिसोड था ऐसा लग रहा था कि हम दो फास्ट बोलिंग पार्टनर्स है और विकेट ले रहे हैं लक वी नीड मोर इंजीनियर बैक थैंक यूं तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों जब मैं किसी टगी से बात करता हूँ ना मेरे अंदर का इंजीनियर जग जाता है और वहाँ से सवाल निकल के आते हैं तो आई एम श्योर अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे प्लीज़ टी को सपोर्ट करते रहिए अंजू भाई के वेंचर को सपोर्ट करते रहिए इट्स समथिंग आई फील अबाउट वेरी वेरी स्ट्रांगली स्पेशली स्केलर स्कूल ऑफ़ टेक्नोलॉजी आज के स्टूडेंट्स के लिए एक ऑल्टरनेटिव है बहुत सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज जाए इंजीनियरिंग सीखें वहाँ से और फिर चार साल के बाद पता चलता है कि इंजीनियरिंग सीखी नहीं और जॉब्स भी अच्छे नहीं मिल रहे यार ये एक अंडरग्रैंड का ऑल्टरनेटिव है आई हाईली रिकमेंड यू एटलीस्ट चेक इट आउट बिनी बंसल शाह और राजन अनदन जैसे लोग भी अंशु भाई के वेंचर को सपोर्ट कर रहे हैं टैलेंटेड बच्चों को 100% परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ट्रेनिंग मिलेगी और तो और आपको आज के मॉडर्न डे जॉब्स के लिए और फ्यूचरिस्टिक जॉब्स के लिए तैयार किया जाएगा प्लीज चेक आउट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल द लिंक्स गिवन डाउन बिलो और मुझे ये बताइए कि इस पॉडकास्ट से आपने सीखा क्या ऐसे साइंस और टेक ओरिएंटेड पॉडकास्ट क्या आपको और भी सुनने ये हमें बताइए आई एम लुकिंग फॉर टू टॉकिंग अ लॉट मोर अबाउट कोडिंग ए आई टेक्नोलॉजी साइंस इन हिंदी क्योंकि हिंदी कॉन्वर्सेशं की वाई भी अलग होती है दोस्तों कीप सपोर्टिंग टी आर एस कीप सपोर्टिंग अंशु भाई एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम रणवीर एंड द टीम